हमने कॉशियसली ये टाइमिंग चूज की सिंस अप्रैल से आज तक बहुत सारे कंपनीज के बहुत सारे एसोसिएशंस के जीएसटी की बारे में मीटिंग हुई है संबोधित किया है उन्होंने बट वी थॉट कि हम इस टाइमिंग में इस टाइम पे करेंगे क्योंकि जितने भी अनुमान लगाने थे वो सारे अनुमान हमने लगा लिए जितने भी डाउट्स आने थे वो सारे डाउट हमने लिस्ट डाउन कर लिए अब इसके बाद आई रियली डोंट होप कि और कोई नए डाउट्स आएंगे तो वो लिस्ट आपके साथ होगी एंड आज वी विल सॉल्व दैट लिस्ट एंड विल इंश्योर दैट वी आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट जीएसटी व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ दिस रूम. आइए सेंचुरी परिवार की तरफ से अपने विशेष अतिथिगणों का स्वागत सम्मान करें. आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जिनके बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि इस रूम में बैठे 60% लोगों की उतनी उम्र नहीं है जितना तजुर्बा वो अपने साथ प्लाईवुड में लेकर आए हैं. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन श्री श्रीराम जी तेकड़ीवाल जी की. मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो जितने बड़े उद्योगपति हैं उतने बड़े और सुप्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन चेयरमैन ऑफ सेंचुरी प्लाईवुड्स इंडिया लिमिटेड श्री सज्जन जी वैजन का. जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ ही इज एन एस प्रेजेंटर एंड मास्टर ऑफ वैट जीएसटी तो पता चल जाएगा अभी हमें वैट इनडायरेक्ट टैक्स. ही इज द मेंबर ऑफ ICAI सेंट्रल काउंसिल न्यू दिल्ली चेयरमैन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी ऑफ मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ही इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. अगर मैं लिस्ट पढ़ूँ तो बहुत लंबी है सो इन वन लाइन आई वुड से ही इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड द सब्जेक्ट विच वी आर डिस्कसिंग हेयर टूडे. प्लीज वेलकम CA श्री अरुण जी अग्रवाल ऑन द डायस. प्यारे भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको सबको आशीर्वाद और शुभेच्छा. आप लोग को मालूम होगा आपको किस लिए बुलाया गया है. आप जानते हैं कि 1 तारीख से GST आने वाला है उसके विषय में आप लोग को कुछ बताया जाएगा. आप ध्यान से सुनिए और अपनी इच्छा के अनुसार जो नहीं समझ रहे प्रश्न करके पूछिए. धन्यवाद. कलकत्ता प्लाईवुड मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम जी, श्री अरुण जी अग्रवाल, आज की उत्सव मूर्ति कह लूँ एवं प्रिय प्लाईवुड उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी भाइयों, मेरी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी. इस बहाने आप में से काफ़ी लोगों से जिनसे परिचय नहीं है या कभी मुखातिब नहीं हुए उनके दर्शन हो जाएंगे और हमें ऐसा लगा कि एक लीडिंग प्लाईवुड कंपनी होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि ये जहाँ चारों तरफ भ्रम का वातावरण है क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे में हम लोग एक ऐसे शख्सियत को चुने जो इस विधा के माहिर हैं, जिनको इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा जिनका अधिकार है और उनसे फिर आपके सभी जितने भी वो हैं सवाल हैं उनका निराकरण किया जाए, जो भ्रांतियां हैं, जो चीज़ें हैं. तो हम लोगों ने एक आपको जो बैग दी है इस बैग में एक किताब भी दी है, तो उस किताब में सारी जानकारी दी गई है कि GST में कैसे होगा, किस तरह के फॉर्मेट हैं, कब कब भर्ती करने पड़ेंगे. तो आप जाएंगे तो अपने साथ वो किताब ले जाइएगा तो उससे फिर आपको जानकारी मिलेगी. और यहाँ जो सवाल हैं आप सामने रखेंगे. और भाइयों, कुछ मैं थोड़ा सा दो शब्द और बोलना चाहूँगा कि एक है पाश्चात्य जगत, एक है भारत. तो पाश्चात्य जगत में उनकी मानसिकता है
कि कभी कोई नई चीज़ आती है तो वो उसका स्वागत करते हैं, उनको लगता है कि कोई भी परिवर्तन आ रहा है हमारे फायदे के लिए आ रहा है। लेकिन जो पास्ट में हम लोगों ने देखा है कि भारत में कोई भी नया परिवर्तन आता है तो साधारणतया उसका विरोध किया जाता है, लेकिन सौभाग्य से जीएसटी का विरोध नहीं हो रहा है, सौभाग्य से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों की मानसिकता बनी है कि ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। और कई जो टैक्सेज थे, कई तरह के जो लोगों को तकलीफ होती थी अकाउंट्स रखने में देने में, तो वो सब का काफ़ी सरलीकरण होगा। एंड भाई कई बार लोग बोलते हैं कि व्यापारी बहुत गड़बड़ करते हैं, वो टैक्स चोरी करते हैं, देते नहीं हैं, काटते नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि कोई भी जो है ना चोरी करके या टैक्स नहीं देके कोई भी अपने घर में नहीं रखता है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो टैक्स जो है वो आगे चला जाता है, उसको पास ऑन कर देते हैं, जितने प्लाईवुड फैक्ट्रियों वाले हैं वो उसको पास ऑन कर देते हैं। तो हम लोग तो व्यापारी जो हैं या मैन्युफैक्चरर हैं वो बीच की कड़ी हैं, हम लोग माल बनाते हैं, जितना हमारा लगता है उसके ऊपर टैक्स का देना है तो टैक्स जोड़ के बात को आगे बढ़ा देते हैं, और अपना जो कारोबार करने का जो लाभ है उतना लाभ हम लोग रखते हैं। बिना लाभ के तो कोई काम नहीं कर पाएगा, कोई दुकान नहीं चला पाएगा। तो बंधुओं, मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप पॉजिटिवली लें, ये जो आ रहा है जीएसटी, और हम लोग मनाएं कि हमारे बच्चे डर के नहीं जिएं कि कल कोई टैक्स वाला आ जाएगा, कोई छापा मार देगा, कुछ नहीं है। अपने उससे काम करें धड़ल्ले से, और टैक्स पेड आएगा अपना 5-7% जो अपना प्रॉफिट है वो जोड़ के। अब अगर सपोज 28% टैक्स है तो 5% जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर 1.4% आपका एक्स्ट्रा लगेगा, तो 1.4% जोड़ के आप उसको आगे बढ़ा दीजिए। और मैं खाली आपको हमारा एग्जांपल दे सकता हूँ, आपको सबको मालूम है कि सेंचुरी प्लाईवुड कोई कच्चे का काम नहीं करती है, एक पैसे का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करती है, जितना बिल होता है सारा टैक्स वो करता है। तो ये जो हम लोगों ने लिया था ये 2007 में लिया था, 2007 में हमने निश्चय किया था कि नहीं हम लोग जो हैं ये कच्चे का काम यहाँ करो वहाँ करो, यहाँ एडजस्ट करो, इससे माल निकाल दो, वैल्यू कमती कर दो, वैल्यू ज़्यादा कर दो, क्वांटिटी का एडजस्टमेंट कर दो, ये सब हमने 2007 मार्च में बंद कर दिया, कोई कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद में फुल बिलिंग हो गई, और मैं आपको बताता हूँ उस समय हमारी बैलेंस शीट 5 करोड़ रुपये की नहीं थी, सेंचुरी प्लाईवुड का प्रॉफिट उस समय 5 करोड़ रुपये नहीं था 2007 के अंदर, उस समय टर्नओवर हमारी कोई होगी 400-500 करोड़, आज टर्नओवर जो है करीब 2000 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, और प्रॉफिट जो है 150-200 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। तो ये जो चीज़ है सही तरीके से काम करें, आप आँख मीच के कहीं जा सकते हैं, आदमियों के ऊपर अपनी दुकान छोड़ के जा सकते हैं, आपको कोई डरने की चिंता नहीं है, सारा माल पूरा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड से काट रहे हैं, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसको पॉजिटिवली लें और अपने मन में एक निश्चय करें कि बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, माल सारा तो 90% 95% टैक्स तो लग के आएगा, आपको आगे करना क्या है, 5% जो करेंगे उस पर जोड़ दीजिए, उसमें आपको 1-2% कमती पैसे करना है तो आपके हाथ में है। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि इस नए के अंदर हमारा व्यापार बढ़े, हमारा लाभ बढ़े, इज्जत के साथ हम काम करें और सर उठा के काम करें, तो ये मेरी कामना है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। प्रेसिडेंट कलकत्ता प्लाईवुड मर्चेंट्स एसोसिएशन श्री राम जी एंड चेयरमैन सेंचुरी प्लाईवुड सज्जन जी एंड ऑल माई फ्रेंड्स प्रेजेंट हियर, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अभी सज्जन जी ने जो स्टार्ट किया कि जीएसटी एक नया दौर शुरू करने जा रहा है और हमको पॉजिटिवली इसको लेना चाहिए, इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इसके बारे में सोचनी चाहिए, तो बहुत ही एक अच्छे नोट के साथ इन्होंने शुरुआत किया। जीएसटी का इम्पैक्ट अल्टीमेटली, जैसे श्री राम बाबू भी अभी बोल रहे थे मेरे को कि अल्टीमेटली क्या होने वाला, तो कुछ तो पॉजिटिव ही होने वाला है, नेगेटिव कम है पॉजिटिव ही ज़्यादा है, इनफैक्ट नेगेटिव कुछ हद तक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी हो सकता है बढ़े,
वो भी इन ड्यू कोर्स हमको समझ में आएगा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, लेकिन अगर बढ़ती भी है बट उसका इफेक्ट अगर पॉजिटिव होता है तो वो हमको सोचना है। तो एक ओपन माइंड से अगर हम इसको देखें, जीएसटी में दो इशूज़ हैं, एक तो अभी मान लीजिए जून 30 जून तक एक दौर चल रहा है और 1 जुलाई से एक नया दौर शुरू होगा जीएसटी का, तो इस दौर का चेंज में, इस दौरान ट्रांजिशन में हमको क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या इश्यूज आएंगे, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, एक महीना, दो महीना या तीन महीना या छः महीने के लिए है, और अल्टीमेटली उसके बाद वंस 6 महीने के बाद में हमारा जो रेगुलर बिजनेस करने का प्रोसेस होगा, जो बिजनेस करने का तरीका होगा वो क्या होगा। ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखेंगे तो शायद समझ में आएगा कि जीएसटी हमारे लिए कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जीएसटी क्या है। आज के दिन में मान लीजिए मैं ये शर्ट खरीदा बाजार में 2000 रुपये में खरीदा, एक शोरूम में गया 2000 रुपये में एक शर्ट खरीदा, और सपोज रेट ऑफ टैक्स अगर 10% है तो दुकानदार ने मेरे से कितना रुपया टैक्स लिया, 2000 रुपये में मैंने खरीदा और 10% अगर रेट ऑफ टैक्स है तो कितना टैक्स हुआ, 200 रुपया। तो बिल क्या बनाएगा, 2000 प्लस, मैं 2000 प्लस 200 ही पकड़ता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, तो वो 2000 रुपया प्राइस प्लस 200 रुपया टैक्स लगा के 2200 रुपये का बिल मेरे को दे दिया और मैंने उसको खरीद लिया। तो उसको जब मैं खरीदा तो अल्टीमेटली मेरे पॉकेट से टैक्स कितना गया, 200 रुपया। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे हमको पता नहीं चलता, यहाँ पे 200 रुपया तो हमने टैक्स दिया पर वहाँ टैक्स 300-350 रुपये है या हो सकता है 400 भी हो। क्यों है कि आज ये आप सबको पता है एक्चुअली, लेकिन केवल हम उस तरीके से शायद सोच नहीं रहे कि आज जब हम 2000 रुपये में खरीद रहे हैं रिटेलर से तो वो महाराष्ट्र से हो सकता है 1500 में खरीदा होगा वो शर्ट या 1800 में खरीदा होगा। तो 1800 रुपये में जब वो महाराष्ट्र से खरीद के लाया तो उसमें कितना परसेंट टैक्स दिया, जब दूसरे स्टेट से माल लेके आते हैं तो टैक्स क्या लगता है, CST लगता है ना, कितना, 2%। तो 2% CST उसने दिया, उसका उसको कोई इनपुट मिलता है, वो कॉस्ट में है, 2000 रुपये में है इंक्लूडेड। अब महाराष्ट्र वाला जब शर्ट बना के उसको 1800 में बेचा तो उसने हो सकता है उसमें कपड़ा और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स यूज़ किया वो मटेरियल सपोज 1500 रुपये का मटेरियल उसने यूज़ किया होगा या 1200 का यूज़ किया होगा। वो दूसरे जगह से खरीदा, उसमें भी सेंट्रल एक्साइज भी लगा प्लस CST भी लगा, वैट लगा कहीं पे, कहीं CST लगा, तो जितना वैट लगता है उसका तो क्रेडिट उसको मिल जाता है अगर लोकल सेल करता है, लेकिन इंटरस्टेट सेल करता है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, रिवर्स करना पड़ता है, और सेंट्रल एक्साइज लगा उसका भी क्रेडिट नहीं मिला तो वो भी उसके अंदर में इंक्लूडेड है, करेक्ट। उसी तरह से मान लीजिए वो सपोज फैब्रिक खरीदा था राजस्थान से, गुजरात से, गुजरात वाला फैब्रिक बनाने के लिए यार्न खरीदा होगा राजस्थान से, और राजस्थान वाला यार्न बनाने के लिए हो सकता है कॉटन खरीदा होगा कहीं और से। तो हर जगह पे कोई भी प्रोडक्ट जब एक स्टेट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता है तो टैक्स लग के जाता है और वो कॉस्ट में ऐड होते जाता है। तो हम जब फाइनली 2000 में खरीद रहे हैं तो एक्चुअल में इस 2000 के ऊपर में ऑलरेडी हो सकता है और 100-150 रुपया टैक्स लगा हुआ है जो हमको दिख नहीं रहा, हमको दिखता नहीं है, तो विजिबल नहीं है। विजिबल टैक्स हमारा कितना है, 2000 पे 200 लगा तो 200 रुपया, बट इनविजिबल टैक्स उसके अंदर में और 100-150 रुपया है, करेक्ट। ये आज का सिचुएशन है। अब अगर GST में आएंगे, हम डिटेल्स में एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कैसे ये होता है, बट GST में अभी क्या होने वाला है। अब सपोज GST रेजिम में आ गया, काफ़ी लोगों को अब समझ में आ गया होगा, अब हम जब 2000 में खरीदेंगे और सपोज 10% रेट ऑफ टैक्स है वही शर्ट का तो वो 200 रुपया बिल में चार्ज करता है तो कितना टैक्स होगा इसके अंदर, अब GST में क्या होगा, कितना विजिबल और कितना इनविजिबल है। GST में जो 200 रुपया बिल में अगर लगेगा हमारा तो 200 रुपया ही टैक्स है, उसके पीछे में हिडन टैक्स और कुछ नहीं है। GST वो लॉ है कि इसके अंदर में हिडन टैक्स कुछ नहीं है, पूरा जितना टैक्स है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर आप 2000 में खरीद रहे हैं उस पर 200 रुपया टैक्स दे रहे हैं तो पीछे का जो, जब वो महाराष्ट्र से खरीद के लाया था CST पेमेंट करके, जिसका अभी इनपुट नहीं मिलता है उसको, GST में उसको मिल जाएगा इनपुट। कौन सा टैक्स लगेगा, कैसे मिलेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। उसी तरह महाराष्ट्र वाला बनाते समय 1800 रुपये में मान लीजिए अपने लोगों ने बात किया कि 1200 रुपये का मटेरियल खरीदा, उस पर भी उसने जो भी टैक्स पेमेंट किया उसका भी इनपुट नहीं मिलता, वो भी मिल जाएगा। उसी तरह जो कपड़े के लिए यार्न खरीदा उस पर भी मिल जाएगा। हर एक स्टेज पे जो भी टैक्स लगेगा उसका क्रेडिट मिलते जाएगा, यानी कि वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अगर कॉस्ट में ऐड नहीं होगा तो फाइनली 2000 रुपये में अगर वो बिक रहा है तो 2000 रुपये में अगर 200 रुपया 10% के हिसाब से रेट कलेक्ट हो रहा है तो GST में टोटल टैक्स उतना ही है, उसमें और हिडन टैक्स नहीं है, यानी कि ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम हो गया। अब वो GST में क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या CGST है, क्या SGST, हम लोग वो सब बात करेंगे, लेकिन ये सारे बाकी समझने के लिए है। बट फैक्ट यही है कि अगर अभी हम 2000 रुपये में 200 रुपये टैक्स दे रहे हैं तो
तो एक्चुअली हमको दिखता नहीं है पीछे, बिना मैंने इनविजिबल टैक्स भी 100-150 रुपये और है, लेकिन जीएसटी में वो नहीं रहेगा। अगर ये टैक्स सिस्टम है जीएसटी का, तो जैसा कि सजन जी ने बोला कि भी एक पॉजिटिव टैक्स सिस्टम है, ये यही इसकी पॉजिटिविटी है कि जीएसटी विल बी अ ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम। आज के दिन में आपने डिफरेंट स्टेट्स में अगर टैक्स दिया, एक स्टेट का टैक्स, राजस्थान का टैक्स का गुजरात में क्रेडिट नहीं मिलता, गुजरात के टैक्स का महाराष्ट्र में नहीं मिलता, महाराष्ट्र के टैक्स का बंगाल में क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन जीएसटी में हर एक किसी भी स्टेट में आपने टैक्स पेमेंट किया है, माल जब लेके आए, अब वो राजस्थान से अगर कॉटन लेके आएगा गुजरात में, उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा, गुजरात से जब वो महाराष्ट्र में लाएगा उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, महाराष्ट्र से जब बंगाल में लाएगा उसका भी इनपुट मिल जाएगा, यानी कि हर एक स्टेज पे उसको जितना भी टैक्स पेमेंट हुआ उसका क्रेडिट मिलते जाएगा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया वो कहीं से भी माल लेके आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सो फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न, कोई एडिशनल टैक्स इम्पैक्ट नहीं है। सिमिलरली आप बेचते समय मान लीजिए बंगाल वाला, सपोज बंगाल महाराष्ट्र का मैन्युफैक्चरर, वो बंगाल के बजाय कहीं पे भी बेचे, अगेन वो जिसको भी बेचेगा जहाँ पे भी बेचेगा उसको वापस वो टैक्स क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा। यानी कि आप कहीं भी खरीद रहे हैं, सपोज सेंचुरी प्लाईवुड कलकत्ता में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इनके रॉ मटेरियल्स कहीं से भी आए और फिनिश प्रोडक्ट्स बन के कहीं पे भी जाके बिकें, इससे टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये जीएसटी टैक्स सिस्टम है, तो ये जीएसटी की पॉजिटिविटी है, उसी चीज़ को हमको एक्चुअली समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए अकॉर्डिंगली। इसीलिए उन्होंने कहा कि भी मैंने जो बोला कि भी दो पार्ट में, दो पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, कि एक तो शुरू में एक साल, एक महीना, दो महीने या तीन महीने या छः महीना क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, और दूसरे रेगुलर बेसिस पे जब ये टैक्स सिस्टम चलता रहेगा तो फिर हमारे लाइफ में क्या चेंज आएगा। तो ये तो रेगुलर बेसिस पे ये चेंज आएगा, अब ट्रांजिशनल स्टेज में, ट्रांजिशनल फेज में हो सकता है कुछ कुछ इश्यूज आए, उसको हमको अभी इमीडिएटली समझने में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो। अभी मैं इससे ठीक पहले एक दूसरा ट्रेड एसोसिएशन वालों के यहाँ पे था, तो वहाँ पे भी जैसे ही वहाँ घुसा, बोला अरे सर इतना कन्फ्यूजन है, इतना प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा क्या कन्फ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम्स है? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो नंबर वन मैं तो बोलता हूँ कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, एक तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन शायद नहीं है, होना नहीं चाहिए था इतना, लेकिन अगर है भी तो वो ट्रांजिशनल फेज है, केवल ये इनिशियल दो महीने तीन महीने के लिए है, उसके बाद तो और वो इशू नहीं है। तो उस पर्सपेक्टिव से हमको देखना चाहिए। अब अगर हम थोड़ी देर, जैसे इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि भी अपने टोटल 1.5 से 2 घंटे का अगर प्रोग्राम रखें, तो मान के चलते हैं कि 1.5 घंटा अगर अपने टॉक कर, मैंने डिस्कशन करें, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कुछ भी होगा तो वो डेफिनेटली हम लोग पिकअप करें, अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है 1.5 घंटे की जगह 1.25 घंटा या 1.25 घंटा लग जाए। तो ये करके हम लोग अगर करते हैं, तो जीएसटी में एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में डेफिनेटली आपके डायरेक्टली प्लाईवुड से रिलेटेड या आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा समझ में आ जाए तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे, तो शायद ईजी होगा उसको समझने में। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन, लेवी यानी सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सप्लाई क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है जीएसटी में। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरह से करेंगे, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, ट्रांजिशनल प्रोविजन जो इनिशियली जो स्टॉक है एज ऑन 30 जून जो स्टॉक रहेगा हमारे पास उसमें क्या इश्यूज़ रहेंगे, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन का क्या मैटर से प्रोविजन है जीएसटी में कि किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किस तरह से मेंटेन करने, ये छोटे मैंने थोड़ी थोड़ी देर इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जीएसटी का। जीएसटी हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जीएसटी बाकी, एक बार इसके नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, इसके नेक्स्ट में जाओ। देखिए फ्रेंड्स, ये सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस मैंने दो अलग अलग कॉलम में दिखलाया है कि आज की तारीख में कितने तरह के सेंट्रल टैक्सेस हम लोग पेमेंट करते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, ये इतने तरह के सेंट्रल टैक्सेस हम ऑलरेडी पेमेंट करते हैं। और स्टेट टैक्सेस में भी स्टेट वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस, इतने तरह के सेंट्रल टैक्सेस, इतने तरह के स्टेट टैक्सेस हम लोग आज पेमेंट करते हैं। हो सकता है आप प्लाईवुड के ट्रेडिंग करते हैं तो आप केवल वैट पेमेंट करते हैं, लेकिन कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग सेंचुरी प्लाईवुड अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उनको सेंट्रल एक्साइज भी देना है, वैट भी देना है, एंट्री टैक्स भी देना है, ऑक्ट्रॉय भी कहीं देना है, परचेस टैक्स भी देना है, बहुत सारे टैक्सेस एप्लीकेबल है। तो डिफरेंट ट्रेड की अगर हम सोचेंगे तो इतने तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं आज के दिन, ये सारे जीएसटी में सब्स्यूम हो रहे हैं। इसका मतलब ये सारे हट जाएंगे, इतने सारे टैक्सेस हट के केवल एक टैक्स रह जाएगा जीएसटी। तो गवर्नमेंट बोल रही है केवल एक टैक्स आ जाएगा जीएसटी, अब पीछे तो ये सारे टैक्सेस हट के केवल जीएसटी रह जाएगा, मतलब ये जहाँ जहाँ पे भी ये टैक्स लग रहे हैं ये सब टैक्स नहीं लगेंगे, अब केवल जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी जब लगेगा तो जीएसटी किस तरह से लगेगा, तो जीएसटी का नेचर क्या है, जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो
जीएसटी डुअल जीएसटी आ रहा है हमारे यहाँ, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सिंगल जीएसटी नहीं है, यानी कि केवल जीएसटी बोल के एक तरह का जीएसटी नहीं है, एक सेंट्रल जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी है। यहाँ पे लिखा हुआ सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब हुआ सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट जीएसटी। तो यानी कि जीएसटी दोनों गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी, एक स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी। आप जब माल बेच रहे हैं, अब अगर आप, मैं थोड़ा सा एक दूसरा जनरल एग्जांपल लेता हूँ, तो आप लोगों में से सब तो प्लाईवुड डीलर्स हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आप खरीदते किससे हैं? कोई भी एक सर सेंचुरी से खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से। तो सेंचुरी जब आपको बिल देता है तो उस पर क्या टैक्स लग के आता है? सेंट्रल एक्साइज एंड वैट, करेक्ट। सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों लगता है। सेंट्रल एक्साइज कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैट कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अभी जीएसटी में क्या होने वाला है? कोई चेंज नहीं होगा, दोनों ही रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा। सेंट्रल एक्साइज का नाम हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी और वैट का नाम हो जाएगा स्टेट जीएसटी, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट अभी टैक्स कलेक्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग पे, वो भी वो करेगी जीएसटी में भी, लेकिन वो सेंट्रल एक्साइज के नाम से नहीं करके सेंट्रल जीएसटी के नाम से करेगी। और उसी तरह स्टेट भी कलेक्ट कर रही है मैन्युफैक्चरर से, तो वो वैट के नाम से कर रही है, अब वो स्टेट जीएसटी के नाम से करेगी। तो दोनों टैक्स रहेगा, यानी कि सेंचुरी प्लाईवुड के लिए कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इट इज़ वन एट द सेम। चेंज क्या होगा? बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, बट फिर भी अभी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपरेंटली अगर समझे तो कोई चीज नहीं है। सेंट्रल एक्साइज फर्स्ट पॉइंट टैक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में। फर्स्ट पॉइंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जैसे ही माल चला गया उसके ऊपर में फिर सेंट्रल एक्साइज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। वैट जो कलेक्ट होता है वो कौन लगाता है, कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं तो क्या चार्ज करते हैं? सीएसटी। वो भी किसके पास जाता है? स्टेट के पास नहीं, सीएसटी जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो हाँ, या वैट हो या सेंट्रल सेल्स टैक्स हो, वो दोनों ही स्टेट कलेक्ट करता है, तो सेंटर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है। अब मैं ये बोलूँ कि अब आपको भी सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों देना है, या सेंट्रल एक्साइज और सीएसटी दोनों देना है, अभी ये चेंज हो रहा है। अभी तक आप सेंट्रल एक्साइज नहीं दे रहे थे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, आप केवल स्टेट को दे रहे थे। अब आपको सेंटर और स्टेट दोनों को देना है। सेंट्रल एक्साइज का नाम आपके लिए भी हो गया सेंट्रल जीएसटी और वैट का नाम हो गया स्टेट जीएसटी। तो आपने अगर सेंचुरी प्लाईवुड से मान लीजिए 1000 रुपये में खरीदा, आप अगर 1200 में बेच रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है? सपोज आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर को देता है, वो 1500 में बेचता है, तो वो 1500, ये जो सेंचुरी प्लाईवुड ने 1000 में बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने 1200 में बेचा, रिटेलर ने 1500 में बेचा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने के ऊपर टैक्स मिला? 1000 के ऊपर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1000 के ऊपर मिला, फिर 1200 और 1500 पे आप वैट लगा रहे हो, तो उस पर वो टैक्स किसके पास गया? स्टेट के पास। यानी कि सेंटर के पास 1500 माइनस 1000, ये 500 रुपये का जो वैल्यू एडिशन हुआ डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, इसके ऊपर में सेंटर को कोई टैक्स नहीं मिला, करेक्ट। सेंटर को कोई टैक्स नहीं मिला। अभी जीएसटी में क्या होगा? अगर उसको आपको भी देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी और रिटेलर को भी देना है, तो यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पे टैक्स मिलेगा? 1500 पे मिलेगा। तो यानी कि सेंटर को अभी केवल 1000 पे मिल रहा था, 1500 पे मिलेगा, और स्टेट को पूरा 1500 पे मिल रहा था, 1500 पे मिलेगा। यानी कि वैट में कोई चेंज नहीं हुआ, सेंट्रल एक्साइज आगे बढ़ गया। आगे कैसे बढ़ गया? कि अभी केवल मैन्युफैक्चरिंग पे रुका हुआ था, अब होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, हर एक स्टेज में आ गया सेंट्रल एक्साइज। तो आपको सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों देना है, नाम हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, करेक्ट। उसी तरह मान लीजिए एक सर्विस प्रोवाइडर, आपका मान लीजिए टेलीफोन बिल आता है, तो टेलीफोन वाली कंपनी आपको सर्विस दे रही है, टेलीफोन सर्विसेज, उसके ऊपर में क्या टैक्स लग के आता है? सर्विस टैक्स लग रहा है, सर्विस चार्ज नहीं, सर्विस टैक्स। वैट तो नहीं लग रहा है, वैट क्यों नहीं लग रहा है? सर्विस दे रही है तो वैट क्यों नहीं लग रहा उसमें? ट्रेडिंग नहीं है, यानी कि गुड्स नहीं है, तो इस हाँ इसका मतलब ये हुआ कि वैट जो है वो गुड्स का ट्रेडिंग होने से ही लगता है, यानी कि गुड्स का सेल होने से लगता है, सर्विसेज होने से वैट नहीं लग सकता है। वैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स। तो सर्विस टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वैट कौन कलेक्ट करता है? तो इसका मतलब सर्विसेज के ऊपर में स्टेट को कोई टैक्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है। अब सर्विसेज के ऊपर में भी आपको सेंटर और स्टेट दोनों लगेगा, यानी कि वैट भी लगेगा और सर्विस टैक्स भी लगेगा। नाम चेंज हो जाएगा सर्विस टैक्स का सेंट्रल जीएसटी और वैट का नाम हो जाएगा स्टेट जीएसटी। तो नाम चेंज हो रहा है लेकिन दोनों टैक्स लगेगा। तो अभी सर्विसेज में केवल सेंट्रल टैक्स दे रहे हैं, अब हमको स्टेट टैक्स भी देना है, दोनों टैक्स देना है। तो इसको बोलते हैं डुअल लेवी, कंकरेंट लेवी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों
गुड्स पे भी टैक्स लगाएगी, सर्विसेज पे भी लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगाएगी, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, हर एक स्टेज में लगाएगी। तो ये एक बेसिक चेंज हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अभी सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों लग रहा है केवल मैन्युफैक्चरिंग पे, उसके बाद आपके ऊपर में केवल वैट लग रहा है, अब सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों लगने वाला है। सर्विसेज पे केवल सर्विस टैक्स लग रहा है, अब सर्विस टैक्स और वैट दोनों लगने वाला है। केवल नाम चेंज हो जाएगा, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे वही मैंने दिखाया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल जीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई जब होगा, अपने केवल इंट्रा स्टेट की लोकल की बात कर रहे हैं विद इन द स्टेट, तो वहाँ पे एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी 9% मैंने यहाँ लिया है। आपके प्लाईवुड में जैसे 28 है, लैमिनेट्स में 18 है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ क्योंकि 18 स्टैंडर्ड रेट 18% है, तो सेंट्रल जीएसटी 9% और स्टेट जीएसटी 9%। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है या अभी मैं भी बताया कि जीएसटी में आपका रेट होने जा रहा है 18%। तो अगर 18% होगा तो 18% केवल जीएसटी बोल के नहीं कलेक्ट होगा, सेंट्रल जीएसटी 9% और स्टेट जीएसटी 9%। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि सेंट्रल एक्साइज 9% और वैट 9% दोनों लग रहा है 9% करके, केवल नाम चेंज हो रहा है। तो अब 9% अगर लगेगा सेंचुरी प्लाईवुड का, अब जब बिल आएगा आपके पास में क्या लग के आएगा? 9 और 9 और इसमें या 28 होगा तो 14 और 14। उसी तरह एक बार इसका नेक्स्ट लाइन ले जाओ, तो उसी तरह देखिए अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया, हालांकि यहाँ थोड़ा रेट लिखने में वैट 5% लिख दिया लेकिन रेट बैठा दिया 14.5, उसको एक बार इग्नोर कर देते हैं। तो अभी कैसे बिलिंग हो रहा है एग्जिस्टिंग रेजिम में? इंट्रा स्टेट के केस में 100 रुपया सेल प्राइस, वैट 14% 14.5 हो तो 14.5 रुपया, 5% हो तो 5 रुपया, व्हाटएवर। तो आपका जो भी रेट है आपका 14.5 है, प्लाई में 5% प्लाई में 5% लैमिनेट्स में 14.5 है क्या? हाँ, लैमिनेट 14.5। तो मान लेते हैं कि आपका बिल अभी बन रहा है 100 रुपया प्लस 14.5 114। अब यही जीएसटी में आके कैसे बनेगा? देखिए वहाँ पे दिया हुआ है अपकमिंग जीएसटी रेजिम इंट्रास्टेट, सेल प्राइस 100 रुपया, सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 14, करेक्ट? यानी कि अभी आप बिल बना रहे हैं सीधा वैट लगा रहे हैं 14.5%, अब आप लगाएंगे सेंट्रल जीएसटी 14% और एसजीएसटी 14% अलग अलग। तो मैं अभी रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेट जो भी हो मैं बिलिंग कैसे होगा मैं ये बता रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों लगेगा आपके बिल में, केवल उसका नाम चेंज हो जाएगा सीजीएसटी। ओरिजिनल फ्लाइट पे प्राइस पे लगेगा उनका जो, हाँ दोनों सेम प्राइस पे, फिर दूसरा नहीं लगेगा। करेक्ट करेक्ट, दोनों सेल दोनों 100 रुपये पे लगेगा। हाँ दोनों 100 रुपये पे लगेगा, करेक्ट। अभी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। अभी क्या होता है मैन्युफैक्चरर जब सेंचुरी प्लाइट का बिल देखेंगे तो 100 रुपये अगर है उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर 12.5 है तो 12.5 रुपया हो गया, और वैट अगर 5% है सपोज तो कितने पे 5% लगता है? 112.5 पे, करेक्ट। या अगर मान लीजिए वैट का भी सपोज मैं 12.5 पकड़ता हूँ तो 112.5 पे 12.5। लेकिन जीएसटी में सेंट्रल एक्साइज और वैट यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही 100 पे और लगेगा, सेम बेस वैल्यू के ऊपर लगेगा। यानी कि बेस वैल्यू चेंज हो रहा है, दोनों के लिए बेस वैल्यू सेम हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा वो, ये टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, ये एक और चेंज है। तो ये करके इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप चाहे रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, हर एक के लिए वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अलग अलग लगेगा, दोनों आपको चार्ज करना अपने बिल पे। इसका मतलब ये हुआ आपको लगेगा कि मेरा तो अभी तक केवल वैट वाले के साथ चल रहे थे, अब आपको सेंट्रल एक्साइज के साथ भी चलना पड़ेगा, सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों लगाना पड़ेगा। यस, एक्चुअली दोनों ही लगाना पड़ेगा, और बिल में दोनों ही लगेगा, दोनों अलग अलग से चार्ज होगा, अलग से कलेक्ट होगा, दोनों जमा भी अलग अलग अकाउंट में होगा, लेकिन दोनों अथॉरिटी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अथॉरिटी एक ही होगी। अगर वैट वाला आपका असेसमेंट करेगा तो वो सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों का करेगा, अगर सर्विस टैक्स वाला करेगा तो सर्विस टैक्स और वैट दोनों का असेसमेंट करेगा, अगर सेंट्रल एक्साइज वाला आपका असेसमेंट करेगा तो वो दोनों का करेगा। ये नहीं कि भी दोनों जन अलग अलग करेगा, एक बार सेंट्रल एक्साइज वाला आएगा वो सेंट्रल जीएसटी का असेसमेंट करेगा, एक बार वैट वाला आएगा वो एसजीएसटी का असेसमेंट करेगा, ऐसा नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। उसी तरह आप जब इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो अभी 100 रुपये का अगर बिल बन रहा है उसके ऊपर सेल प्राइस के ऊपर में 2% सीएसटी लगाते हैं आप, करेक्ट? एज ए डीलर सेंचुरी प्लाईवुड क्या करती है? सेंट्रल एक्साइज प्लस सीएसटी, लेकिन आप एज ए डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जब बनाते हैं तो केवल सीएसटी। अब जीएसटी में क्या होगा? अब 28%, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आईजीएसटी, तो ये आईजीएसटी एक तीसरा जीएसटी हो गया। इसका मतलब दो तरह का जीएसटी हुआ, पहले तो सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी, अब तीसरा आ गया आईजीएसटी। ये आईजीएसटी क्या है? इंटर स्टेट, मतलब जब बाहर जाएगा माल एक स्टेट से दूसरा स्टेट में तो आईजीएसटी लगेगा, ये एक्चुअली तीसरा जीएसटी हो गया, लेकिन इनफैक्ट ये तीसरा नहीं है, आपके लिए नॉमिनेचर के हिसाब से ये तीसरा हो गया। यानी कि अभी जब आप भेजते हैं तो क्या लगा के भेजते हैं? सीएसटी।
अब सीएसटी के बजाय आईजीएसटी लगेगा। तो देखिए अभी आप सीएसटी लगा रहे हैं जब इंटरस्टेट सेल में, लेकिन सीएसटी में उसके साथ में सेंट्रल एक्साइज भी है। जैसे मैंने कहा अगर सेंचुरी प्लाईवुड अगर भेजती है बाहर तो सेंट्रल एक्साइज प्लस सीएसटी लगाती है, यानी कि सेंट्रल एक्साइज हो गया सेंट्रल टैक्स और सीएसटी हो गया स्टेट टैक्स। तो जीएसटी में भी दोनों लगेगा। जीएसटी में भी अगर सेंचुरी प्लाईवुड बाहर भेजती है तो उनको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लगाना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों मिला के एक हो जाएगा। जैसे 9 और 9 अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो इंटरस्टेट के केस में आईजीएसटी के नाम से डायरेक्ट 18% लगेगा। ये केवल अकाउंटिंग पर्पज से है। एक्चुअली आईजीएसटी तो नया नहीं है, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपका 14 है तो मैंने अगर 28% जीएसटी है तो सीजीएसटी 14 एसजीएसटी 14 आईजीएसटी 28, अगर 12 है तो सीजीएसटी 6 एसजीएसटी 6 और आईजीएसटी 12, इस तरह से होगा। तो ये आईजीएसटी के नाम से कलेक्ट करेंगे और ये आईजीएसटी कलेक्ट करने के बाद इसमें क्या चेंज होगा ये देखिए, ये केवल समझने के लिए है आपके लिए। बिल बनाते समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए कि आईजीएसटी है क्या, कि अब सेंचुरी प्लाईवुड जब आईजीएसटी लगा के भेजेगी बाहर में तो सामने वाला को, अभी क्या होता है जब आप सीएसटी लगा के भेजते हैं सेंचुरी प्लाईवुड अगर आपको सीएसटी लगा के भेजा रांची में माल, तो रांची वाले को सीएसटी का इनपुट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इसका मतलब वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है, जो हमने वही शर्ट और उसका एग्जाम्पल में लिया। अभी सीएसटी का क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है, इनपुट क्यों नहीं मिलता सीएसटी का, किसी को पता है? यहाँ के स्टेट, करेक्ट, यानी कि टैक्स कलेक्ट किया यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट और माल कहाँ चला गया, रांची झारखंड, तो माल झारखंड चला गया लेकिन टैक्स बंगाल में रह गया। तो झारखंड गवर्नमेंट बोलती है कि मैं आपको इनपुट क्रेडिट क्यों दूंगा, क्योंकि मेरे पास टैक्स नहीं आया। उसी तरह जैसे हमने शर्ट वाला एग्जांपल लिया, तो महाराष्ट्र में मैंने सीएसटी पेमेंट करके माल लाया तो सीएसटी तो महाराष्ट्र में रह गया, माल यहां आ गया, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। अभी जीएसटी में बोल रहे हैं कि आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, इसको फैसिलिटेट करने के लिए बोला कि ठीक है एक काम करो, अभी जो टैक्स रह जाता है ओरिजिनेटिंग स्टेट में, अब इसको भी माल के साथ साथ टैक्स को भी ले जाओ। तो अब क्या होगा, जब सेंचुरी प्लाईवुड यहाँ से जब झारखंड माल भेजेगा तो इसका टैक्स भी झारखंड चला जाएगा। तो इसलिए ये आईजीएसटी बोल के लेके आए कि आईजीएसटी जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही उसके अंदर में है, तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, तो सेंट्रल टैक्स तो यहाँ से वहाँ पे भी क्रेडिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सेंटर तो सब जगह है ऑलरेडी वही सेम गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट वाला जो टैक्स है वो अभी सीएसटी कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, माल चला गया झारखंड, लेकिन अब आईजीएसटी में आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा, और सेंटर कलेक्ट करके उसमें से जो एसजीएसटी का पोर्शन है उसको पता है कि इसमें 14 और 14 है या इसमें 9 और 9 है, तो वो एसजीएसटी का पोर्शन क्या करेगा, झारखंड गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा, उसको भेज देगा पैसा। तो इससे क्या हुआ, अब झारखंड चूंकि माल गया तो टैक्स भी बाहर चला गया, झारखंड चला गया, तो झारखंड में जाके आपको उसका पूरा इनपुट मिल जाएगा, करेक्ट। उसी तरह झारखंड से जब माल और कहीं जाएगा, वही सेम एग्जांपल अगर आप लेंगे राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बंगाल, तो हर समय वो माल के साथ साथ टैक्स भी चलेगा, तो जहां माल जाएगा टैक्स भी वहीं जाएगा, इसलिए ताकि उसका क्रेडिट हर जगह हमको मिल सके, इनपुट मिल सके। ये एक कॉन्सेप्चुअल चेंज है, इसीलिए ये आईजीएसटी लेके आया है। और आईजीएसटी हमारे लिए नाम से नया है आईजीएसटी, बट गवर्नमेंट को मालूम है कि जितना आईजीएसटी उसमें कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी है और वो एसजीएसटी मेरे को कहाँ भेजना है। तो ये बंगाल में नहीं रहेगा, इसीलिए ये अब सेंटर कलेक्ट करके वहाँ भेज देगी, बंगाल गवर्नमेंट कलेक्ट करके नहीं भेजेगी, सेंटर खुद कलेक्ट करेगी और उसको वहाँ भेज देगी। तो आईजीएसटी 18%, तो आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आपको लिखना पड़ रहा है आईजीएसटी, इसलिए आपका बिल सीधा 18% नेक्स्ट होने, इसलिए आपका बिल में सीधा 18% आईजीएसटी लग रहा है या 28% आईजीएसटी लग रहा है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको तोड़ के एसजीएसटी पोर्शन स्टेट को पास ऑन कर देगी। इस तरह से ये क्रेडिट पूरा पास ऑन हो सकता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, कि अभी ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, सीएसटी में ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी में ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो जाएगा, जहां माल जाएगा वहां टैक्स जाएगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ो, अब देखिए एक जो मैं बता रहा था सप्लाई, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है सप्लाई का। अभी तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर, तो प्रेजेंट में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होने से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। सेंचुरी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग करती है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करती है, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं देना पड़ता है। वैट लगता है व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स, तो आप सेल कर रहे हैं तो वैट देना पड़ता है, सेल नहीं कर रहे हैं तो वैट नहीं देना पड़ता है। आप अगर यहाँ से स्टॉक ट्रांसफर करके ले जाएं, या मान लीजिए सेंचुरी का अगर डिपो होता है पटना में, तो पटना में अगर डिपो में स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो क्या टैक्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा,
सेल नहीं है, सेल होना जरूरी है वैट या सीएसटी के लिए, सेल होना जरूरी है। आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं विच इज नॉट ए सेल, आपका ही माल वहां पे लेके जा रहे हैं तो टैक्स नहीं देना है। तो वैट इज एसोसिएटेड विद सेल ऑफ गुड्स। सर्विसेज में सर्विस टैक्स कहां लगता है? वेयर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और सर्विस का डेफिनेशन में है वेयर देयर इज एनी एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर ए कंसिडरेशन। तो पैसा लेके आप कोई काम कर रहे हैं तो सर्विस हो गया। तो सर्विस टैक्स का अलग कॉन्सेप्ट है, वैट का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल एक्साइज का अलग कॉन्सेप्ट है। तीनों का अलग अलग बेस है, यानी कि टैक्सेबल इवेंट जिसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट, तीनों का अलग अलग है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर होने से ही लगेगा, नहीं मैन्युफैक्चर होने से नहीं लगेगा। वैट लगेगा सेल होने से, सेल नहीं होने से नहीं लगेगा। सर्विस टैक्स लगेगा सर्विस होने से, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसी तरह से मैं बाकी भी जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, सबके लिए अलग अलग टैक्सेबल इवेंट है। एंट्री टैक्स है, अपने अभी एक तीन की बात कर रहे हैं। तो ये सारा चेंज होकर अब हो जाएगा सप्लाई। अब देखिए फ्यूचर में क्या होगा, सप्लाई जीएसटी जो है, जीएसटी अब मैन्युफैक्चर से रिलेटेड नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे रिलेटेड नहीं है। इसीलिए अब जो हम बात किए कि सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों सेंचुरी को भी देना है, आपको भी देना है, तो अब सेंचुरी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है आप नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंस अब खत्म हो जाएगा। कोई भी सप्लाई करेगा तो उसको टैक्स दोनों देना है, और सप्लाई में आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग आपने किया है या नहीं किया है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यू हैव टू पे बोथ द टैक्सेस ऑन एवरी एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, हर एक स्टेज में आपको टैक्स देते हुए जाना है और दोनों टैक्स देना है। एंड सिमिलरली वेदर इट इज गुड्स और वेदर इट इज सर्विसेस, दोनों ही केस में दोनों टैक्स देना है, गुड्स हो या सर्विस हो, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो दैट विल बी सप्लाई। इसलिए देखिए यहाँ पे फ्यूचर में क्या हो गया, गुड्स और सर्विस दोनों ही केस में सप्लाई होगा, और या तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी लगेगा। अगर लोकल सेल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, वेदर इट इज गुड्स और वेदर इट इज सर्विसेज। तो सर्विसेज में भी आज अगर हम मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने किसी कंपनी दिल्ली की कंपनी का ऑडिट किया, तो मैं आज सर्विस टैक्स चार्ज करता हूँ, अब मेरे को जीएसटी में क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ सर्विस टैक्स और वैट, या सर्विस टैक्स और सीएसटी, इस तरह से बोल सकते हैं कि सर्विस टैक्स हो गया सेंट्रल जीएसटी, सीएसटी हो गया स्टेट जीएसटी। तो मैं दोनों मिला के आईजीएसटी बोल के 18% चार्ज करूंगा, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा और 9% स्टेट को पास ऑन कर देगा, करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 9, मतलब आपको एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्ट पढ़ाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे बोला हुआ है कि देयर शैल बी लेवाइड अ टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई के ऊपर में टैक्स लगेगा। अब इसमें नीचे में दो प्रोविजन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमको समझना पड़ेगा। स्पेसिफाइड 3 और 4 में, 3 नंबर में बोला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टैक्स ऑन विच शैल बी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। और 4 नंबर में बोला हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाई एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन द रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग द सप्लाई विल पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, मैं रजिस्ट्रेशन में ऑल्दो बाद में बात करता, लेकिन एक बेसिक बात बता दे रहा हूँ, एनीवन हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 20 लाख से ज़्यादा, अगर आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो 20 लाख से ज़्यादा अगर टर्नओवर, मेरे ख्याल से यहाँ हर किसी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा, तो रजिस्ट्रेशन लेना है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, तो फिर आप अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टी से कुछ परचेज करते हैं तो आपको उसके ऊपर में टैक्स देना है। किसी भी अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर आप परचेज करते हैं, देखिए क्या होगा इसका डिफरेंस, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि मान लीजिए आप प्लाईवुड ही खरीद रहे हैं, तो अगर किसी दूसरे डीलर से खरीद रहे हैं वो अगर रजिस्टर्ड है, आपने अगर 10,000 रुपये का प्लाईवुड खरीदा, तो आपको 10,000 रुपये के ऊपर में जीएसटी लगा के देगा, आपको उसका इनपुट मिल जाएगा, आप उसको 15,000 में बेचेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे, इनपुट यूज़ करके बैलेंस कैश में जमा करेंगे। अगर आप 10,000 रुपये का रजिस्टर्ड पार्टी से खरीदे तो वो जीएसटी लगा के देगा, अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीदेंगे तो वो जीएसटी नहीं लगा के देगा। तो नहीं लगा के देगा तो आपको इनपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रिवर्स चार्ज में आपको उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना है। यानी कि वही 10,000 के ऊपर में अगर आपका 28% रेट है तो 2,800 रुपया टैक्स आपको जमा करना है। चूँकि सामने वाला नहीं चार्ज किया अपने बिल में, तो आपको पेमेंट करना है। आप पेमेंट करेंगे लेकिन उसके बाद वही 2,800 का आपको इनपुट मिल जाएगा। तो आप अल्टीमेटली 15,000 में जब सेल करेंगे तो उसमें टोटल टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे, 28% के हिसाब से 42,4,200। तो 4,200 तो आप कलेक्ट करेंगे ही, पहले आप 2,800 रुपये इधर जमा करेंगे रिवर्स चार्ज में, फिर उसी का इनपुट लेके 1,400 रुपये और जमा करेंगे। तो आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इम्पैक्ट कुछ नहीं है, केवल इम्पैक्ट ये है कि आपको ये कंप्लायंस अलग से करना है, यानी कि 100 आपको अलग करना पड़ेगा। आप जब
टैक्स पेमेंट करेंगे तो ये रिवर्स चार्ज का बोल के कर रहे हैं, ऐसा जमा करना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड से लेने के लिए, करेक्ट। अगर या तो लेना नहीं है, ले रहे हैं तो आपको उतना टैक्स आपको जमा करना है, उसका अकाउंट अलग रहेगा और फिर आप उससे एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपका अकाउंटिंग प्रॉपर होना चाहिए और आपका रिटर्न में प्रॉपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, टैक्स इम्पैक्ट कुछ नहीं है आपके लिए, करेक्ट। तो ये अनरजिस्टर्ड पार्टी किसी से भी हम परचेज करेंगे तो ये टैक्स रिवर्स चार्ज में मेरे को एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। और तीन नंबर में जो है वो स्पेसिफाइड कैटेगरीज, उसमें जैसे मान लीजिए आज की तारीख में आप लोग में से मैक्सिमम प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म अगर होगा तो आपके लिए रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है यूजुअली। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के केस में एग्जांपल लेता हूँ, कोई अगर कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, वो लोग अगर ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट करते हैं तो उस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में सर्विस टैक्स कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। जैसे सेंचुरी प्लाईवुड अगर किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से माल ट्रांसपोर्ट करवाती है तो जितना फ्रेट पेमेंट करती है उसके ऊपर में सर्विस टैक्स कैलकुलेट करके सेंचुरी को ही पेमेंट करना पड़ता है, और फिर सेंचुरी उसका सिनवैट क्रेडिट ले लेती है जहाँ पे भी एलिजिबल है। अगर एलिजिबल नहीं है तो नहीं लेना है, अगर एलिजिबल है तो ले सकते हैं, तो वो क्रेडिट ले लिया। इसी तरह से जीएसटी के लिए भी कुछ एक गुड्स या कुछ एक सर्विसेज स्पेसिफाइड हो जाएंगे, एक नोटिफिकेशन आएगा उसमें बोलेगा कि ये आइटम्स आपका सर्विसेज या गुड्स दिस विल बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। तो वो जो कवर करेंगे उस तरह का कोई आइटम अगर आप परचेस करेंगे तो उसके ऊपर में भी आपको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है। बट ये लार्जली हो सकता है प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म के केस में नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए, कंपनीज या फैक्ट्रीज के केस में ही एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए हमको इसके ऊपर में भी बहुत ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। बट इम्पैक्ट अगेन वही है कि अगर मेरे को रिवर्स चार्ज में करना भी है तो मैं पेमेंट करूँगा और फिर क्रेडिट इनपुट मेरे को मिल जाएगा, इनपुट का इशू नहीं है, लेकिन कंप्लायंस मेरे को सेपरेटली करना है। नेक्स्ट एक है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा, वैट में भी ऑलरेडी कॉम्पोजिशन स्कीम है। वैट में क्या होता है कि अगर किसी का 50 लाख के अंदर टर्नओवर है तो उस केस में कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने से क्या होता है कि आपको कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, आपको कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना है, आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और आप सीधा आपका जो टर्नओवर है उसके ऊपर में आप कैलकुलेट करके 0.5% टैक्स जमा कर दो, करेक्ट। सिमिलर स्कीम जीएसटी में भी है कि ये लिमिट बढ़ा के 50 से 75 कर दिया गया कि किसी का अगर 75 लाख के अंदर टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा क्या है कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आप इंटरस्टेट परचेज भी नहीं कर सकते, इंटरस्टेट सेल भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, केवल लोकल परचेज और लोकल सेल होगा। मैन्युफैक्चरर के लिए भी ये अलाउड है, वैट में मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं था लेकिन जीएसटी में मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम है और रीसेलर्स के लिए भी है, ट्रेडर के लिए तो है ही, डीलर वगैरह के लिए। अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम है तो उसमें क्या कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहेगा? अब सवाल ये आता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा क्या है, अगर मेरे को कुछ मेंटेन नहीं करना है, कुछ टैक्स भी सिंपल कैलकुलेट करके देना है तो फिर मेरे लिए तो ईजी है, मेरे लिए बहुत सारा प्रोविजन्स मेरे हट जाएंगे। तो फिर हर कोई सोचेगा कि 75 लाख के अंदर अगर मेरा टर्नओवर है तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम में चले जाएं, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तो एज आई सेड कि आप इसका मतलब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। अगर आपसे मैंने परचेस किया, सपोज मेरा ऑफिस बन रहा है और मेरी ऑफिस के लिए मेरे को प्लाईवुड चाहिए, तो अगर मैं आपसे खरीदूँ तो आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो आप मेरे को टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे, और सामने वाले भाई साहब अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। मैंने इनसे अगर 25 लाख का माल खरीदा तो 25 लाख के ऊपर ये मेरे को 18% टैक्स लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, बट फिर भी मैं किससे खरीदूंगा ये बताइए मेरे को। जो टैक्स लगा के देगा उसी से, क्यों? इनपुट मिल जाएगा, वो मेरे को 25 लाख के ऊपर टैक्स लगा के देंगे, मेरे को इनपुट मिल जाएगा। आप मेरे को 25 लाख पे टैक्स नहीं लगाएंगे, इनपुट नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे खरीदूंगा, इनसे क्यों खरीदूंगा? टैक्स पेमेंट करके इनपुट लेने में क्या फायदा है, क्या फायदा है? दैट्स राइट, इनका जो 25 लाख में अगर ये सेल कर रहे हैं तो इनका परचेस प्राइस होगा 20 लाख, तो 20 लाख में जो इन्होंने परचेस किया उसके ऊपर तो टैक्स पेमेंट किया इन्होंने, तो 20 लाख पे जो टैक्स लगा वो तो इनके कॉस्ट पे ऐड हो गया, जबकि अगर वही में रजिस्टर्ड होते तो उसका टैक्स मेरे को पास ऑन कर देते, तो इसका मतलब मेरा इफेक्टिव कॉस्ट 25 से नीचे आएगा, तो इसलिए मैं कॉम्पोजिशन वाले से नहीं खरीदूंगा। कौन खरीद सकता है? मान लीजिए मेरे को अगर घर में काम करना है, डायरेक्ट कंज्यूमर, करेक्ट, एंड यूजर, कि अगर एंड यूजर भी कौन, एंड यूजर बिजनेसमैन नहीं, कंज्यूमर,
कि अगर मेरे को अपने घर पे काम करवाना है तो मेरे को तो कोई इनपुट नहीं चाहिए, तो उस केस में मैं जिससे भी जो सस्ता देगा, चाहे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आप 25,000 प्लस टैक्स करो या ये 22,000 प्लस टैक्स व्हाटएवर, या सारा 25,000 करे, टोटल मिला के मेरा जिसका सस्ता होगा मैं उससे लूँगा। लेकिन जो बिजनेसमैन है जहाँ पे भी जिसको इनपुट चाहिए वो आपसे नहीं खरीदेगा। तो यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप कोई वैल्यू चेन में है, कोई भी दूसरे बिजनेसमैन को सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडर हो, डीलर हो, रिटेलर हो, या कोई ऑफिस वाले हो, किसी को भी अगर आपको बेचना है तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आप नहीं रह सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वो केवल उसी के लिए है जो केवल कंज्यूमर्स को माल बेचता है। तो अगर आपको वो रिस्ट्रिक्शन लाना है अपने बिजनेस में तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, वो भी प्रोवाइडेड कि मेरा 75 लाख के अंदर टर्नओवर होगा और मेरा कोई इंटरस्टेट परचेज नहीं होगा, कोई इंटरस्टेट सेल नहीं होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई जैसे डीलर माल किसी पार्टी को भेजा, उसका बिल बना के तो भेजना? हाँ, बिल तो बनेगा ही। आप अगर बेच रहे हैं माल तो बिल तो बनाना ही आपको। वो टैक्स नहीं लगेगा, करेक्ट। जो टैक्स लगा के माल बिल बनाएगा उसका नाम होगा टैक्स इनवॉइस, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। और आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो फिर आप टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे, आप फिर बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे और उसमें टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बिल तो बनेगा ही और प्लस डिलीवरी चालान भी बनेगा। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ई वे बिल की बात करेंगे तो हो सकता है ई वे बिल पे भी, हालांकि वो ड्राफ्ट स्टेज में है, अभी हो सकता है डिफर हो जाएगा, अभी इमीडिएटली शायद नहीं लगेगा, बट अगर होगा भी तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो लेकिन बिल तो बनेगा ही, बिल नहीं बन के थोड़ी माल जाएगा, बिल तो बनना ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम का जो टैक्स रेट है मैन्युफैक्चरर के लिए है 1%। यहाँ पे 1% एक्चुअली ये 1% CGST और 1% SGST, यानी कि टोटल 2% हो जाएगा। सप्लाई ऑफ फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि रेस्टोरेंट, बेसिकली रेस्टोरेंट के लिए ये किया है 2.5 और 2.5 5%। और एनी अदर सप्लायर यानी कि कोई ट्रेडर रीसेलर, उनके लिए है 0.5 + 0.5, यानी कि टोटल 1%। लिमिट 75 लाख, 75 लाख लिमिट सबके लिए, करेक्ट। 75 लाख और इंटरेस्टेड नहीं कर सकते, करेक्ट। इंटरेस्टेड परचेज, इंटरेस्टेड सेल नहीं कर सकते। हाँ, टोटल टर्नओवर, पूरा टर्नओवर, मतलब आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है या टैक्सेबल सप्लाई है, वो सारा मिला के टोटल टर्नओवर जितना होगा उसके ऊपर में आपको टैक्स देना है, ये 1% या 2% जो भी। सर्विस भी आ जाएगा। नहीं सर, सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर, टर्नओवर में सर्विस भी इंक्लूड होगी? हाँ, नहीं तो जिसका अगर सर्विस होगा उसके टर्नओवर में वो भी नहीं। लेकिन सर क्या बोल रहा हूँ, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है फिर तो वो कॉम्पोजिशन में जा ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कंसल्टेंसी करता हूँ तो मेरा सर्विस है, अब अगर मैं कोई चीज़ की ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दूँ तो मेरा दोनों हो गया, तो चूंकि सर्विसेज है तो आई कैन नॉट गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। केवल गुड्स के लिए है कॉम्पोजिशन स्कीम, नो नॉट फॉर सर्विसेज। अब ये सप्लाई, मैं बता रहा था कि सप्लाई क्या है, तो सप्लाई एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि सेल से डिफरेंट है, जो कि मैन्युफैक्चर से डिफरेंट है। सप्लाई का एक जनरल मीनिंग क्या है आपको बता सकते हैं? सप्लाई, व्हाट इज मीनिंग बाय, व्हाट इज मेंट बाय सप्लाई? सप्लाई मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। हाँ, मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। मूवमेंट, सप्लाई का मतलब सिंपल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है सप्लाई का, टू मेक समथिंग अवेलेबल विच इज रिक्वायर्ड। सर को पानी चाहिए, मैंने यहाँ से दे दिया, दैट इज अ सप्लाई। इनको पेन चाहिए, मैंने पेन दे दिया, दैट इज अ सप्लाई। डिक्शनरी मीनिंग इतना ही है सप्लाई का। तो सप्लाई होने से टैक्स लगेगा। अब सप्लाई को जीएसटी में स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, व्हाट इज सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए चार कंपोनेंट है इसमें। पहला में है, एक नंबर में है इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी अगर आप सप्लाई करते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन है, यानी कि पैसा लेके अगर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो वो कवर्ड है, वो आज भी कवर्ड है सेंट्रल एक्साइज में भी, वैट में भी, सर्विस टैक्स में भी, हर एक जगह। सेंट्रल एक्साइज में हालांकि जरूरी नहीं है, सेंट्रल एक्साइज में तो मैन्युफैक्चर होते ही आपको ड्यूटी देना पड़ता है। अगर आप किसी को फ्री में भी बांटोगे तो फिर भी आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। सेंचुरी प्लाईवुड को अगर मान लीजिए स्पॉन्सरशिप के हिसाब से किसी संस्था को अगर 10 पीस माल देना है तो उसके ऊपर में ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा सेंट्रल एक्साइज में। लेकिन जीएसटी में सप्लाई, तो सप्लाई ये सेल्स टैक्स माने वैट में, लेकिन सेल होना जरूरी है और सर्विस टैक्स में भी कंसिडरेशन होना जरूरी है। सिमिलरली जीएसटी में ये एक नंबर लिम में बोला हुआ है कि कंसिडरेशन होने से सप्लाई होगा। एक नंबर में चार पॉइंट है, उसमें एक नंबर में है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, विदाउट कंसिडरेशन नॉट ए सप्लाई, एक नंबर की बात करें। दो नंबर में देखेंगे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कि बाहर से अगर आप कोई सर्विस इम्पोर्ट कर रहे हैं फॉर ए कंसिडरेशन, मान लीजिए
कोई भी कारण से हो सकता है, अगर सेंचुरी को कोई इंजीनियर की सर्विस चाहिए, वो बाहर से कहीं हायर करते हैं, कोई टेक्नोक्रेट हायर करते हैं या कोई आर्किटेक्ट हायर करते हैं, तो उनको जो पेमेंट करेंगे उसके ऊपर में भी यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा, जैसे आज सर्विस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तीसरा मान लीजिए, तीसरा में है शेड्यूल वन। शेड्यूल वन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे चार एंट्री है, 1, 2, 3, 4, वहाँ पे बोला हुआ है कंसिडरेशन क्रॉस किया हुआ, यानी कि नो कंसिडरेशन बट स्टिल इट इज़ ए सप्लाई। यहाँ पे एक नंबर में है परमानेंट ट्रांसफर, यहाँ पे केवल मैंने डिस्पोजल लिखा है, इसमें है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, कोई भी बिजनेस का एसेट, कोई भी इन्वेंट्री, कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप डिस्पोज करते हैं, तो परचेज करते समय अगर आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है तो उसको आपको सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड नंबर में है डिस्टिंक्ट पर्सन, मैंने सप्लाई बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन, ये कॉन्सेप्ट एक नया है जीएसटी में, कि अब मान लीजिए सेंचुरी प्लाईवुड या कोई भी कंपनी, उनकी फैक्ट्री यहाँ पे है और डिपो पटना में है, तो वैट में क्या होता है, दोनों जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सिमिलरली जीएसटी में भी दोनों अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो चूंकि दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, सेंचुरी कलकत्ता एंड सेंचुरी पटना आर डिस्टिंक्ट पर्सन। अब सेंचुरी कलकत्ता अगर सेंचुरी पटना को माल भेजती है तो इट विल बी ए सप्लाई, इट विल बी ए सप्लाई, ये सप्लाई में आ जाएगा, सेल नहीं कर रहा है तो अभी वैट या सीएसटी लगता है सेल होने से, स्टॉक ट्रांसफर होने से टैक्स नहीं लगता आपने बताया, लेकिन अब जीएसटी में सिनेरियो चेंज हो जाएगा, जीएसटी में ये सप्लाई माना जाएगा और इस पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स पेमेंट करके माल ले जाएंगे हम, जहां पे भी माल ले जाएंगे टैक्स पेमेंट करके। ऐसा क्यों है? करेक्ट, ताकि इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो सके। यहाँ पे जितना इनपुट मैंने लिया, अगर मैं यहाँ से माल ले जाता हूँ इफ आई डू नॉट पे एनी टैक्स, तो यहाँ का जो इनपुट है वो यहीं रह जाएगा, वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं टैक्स पेमेंट करके ले जाता हूँ तो इसका इनपुट ले लूँगा, फिर यहाँ पे जितना मैंने टैक्स पेमेंट किया वहाँ पे पटना में ले जाकर उसका इनपुट ले लेंगे, तो वो इनपुट का चेन कंप्लीट करने के लिए, कि भाई अगर हम सप्लाई करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएंगे तो हमको टैक्स पेमेंट करके लेके जाना पड़ेगा, कहीं पे भी ले जाएं, दूसरा से तीसरा भी अगर ले जाएंगे तो वापस मेरे को टैक्स पेमेंट करके ले जाना पड़ेगा, तो ये सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तीन नंबर में है प्रिंसिपल टू एजेंट, ये भी आज के दिन में प्रिंसिपल जब एजेंट को, यानी कि प्रिंसिपल जब कंसाइनमेंट एजेंट को माल भेजता है तो उसके ऊपर में भी टैक्स पेमेंट करके नहीं ले जाते हैं, वहाँ पे भी वही एफ फॉर्म के अगेंस्ट में स्टॉक ट्रांसफर बोलते हैं, अब इसमें भी आपको टैक्स पेमेंट करके ले जाना पड़ेगा। कोई भी प्रिंसिपल अपना एजेंट को भेजता है तो टैक्स पेमेंट करके लेके जाएगा, फिर एजेंट वहाँ पे जब वापस बेचेगा तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा और इसका इनपुट ले लेगा। तो इनपुट का चेन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि माल जैसे जैसे मूव करेगा टैक्स भी मूव करेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, कि सप्लाई का मतलब कुछ भी कैसे भी आप माल ले जाएं तो आप टैक्स पेमेंट करके ले जाइए, तो चाहे आप अपना डिपो में स्टॉक ट्रांसफर करें चाहे किसी कंसाइनमेंट एजेंट को भेजें, आपको टैक्स पेमेंट करके ले जाना है, ताकि आप इनपुट को भी वहाँ ले जा सके, शिफ्ट कर सके, ये सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये है। चार नंबर में है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। एंड चार नंबर इधर में फिर चौथा कॉम्पोनेंट है शेड्यूल टू। शेड्यूल टू में अलग अलग आइटम्स बोला हुआ है, जिसमें जैसे मान लीजिए दो तीन एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को बोलता है ये सप्लाई ट्रीट करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करेंगे। अभी तक क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल कितना है, सर्विस कितना है, ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है, अब ये इशू नहीं रहेगा। उसी तरह से रेस्टोरेंट के केस में फूड कितना है, सर्विस कितना है, इसका डिस्प्यूट होता है ये सब को लेकर। आप देखेंगे रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे, 2000 रुपये का आपने खाने का बिल दिया तो पूरे के ऊपर में वैट भी लगा रहा है और उसका 40% के ऊपर में सर्विस टैक्स भी लगा रहा है, तो उसको लेकर डिस्प्यूट होता है। केरला हाईकोर्ट बोलता नहीं लग सकता है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बोलता नहीं लग सकता है, ये बहुत डिस्प्यूट्स है। अब यहाँ बोल दिया कि इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इसके ऊपर टैक्स देना है। मैं इस पर और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अपने यहाँ पे, जो रिलेवेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये सप्लाई का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है। इसमें जो नई बात क्या आई, कि अभी सेल होने से टैक्स लगता है, जीएसटी में सप्लाई होने से टैक्स लगेगा। जीएसटी में अब सेल नेसेसरी नहीं है, सप्लाई देखना पड़ेगा सप्लाई में कवर्ड है कि नहीं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कि आपके पास अगर आपकी दुकान में माल है, आप प्लाईवुड बेच रहे हैं, आप जब माल खरीद रहे हैं तो पूरा इनपुट आप ले रहे हैं। अब सपोज आपके घर में कोई काम होता है और आप अगर 6 पीस 6 बोर्ड आप ले गए घर में, ये क्या होगा? सप्लाई हो गया। वो जो पहला क्लॉज था ना 3 नंबर लेग में शेड्यूल वन विदाउट कंसिडरेशन, पहला है डिस्पोजल, वहाँ पे पूरा टर्म लिखा हुआ है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड। तो आपने माल परचेज किया, इनपुट ले लिया, अब अगर उसको अगर आप नहीं बेच के अपना घर में यूज़ करेंगे, आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा उसको। ये एक चेंज है, मतलब जो अभी तक करेक्ट, चूंकि आपने इनपुट ले लिया तो सेल के ऊपर में आउटपुट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा ना सर।
क्या चीज? फ्री सैंपल्स, यस, इवन फ्री सैंपल्स भी अगर आप देते हैं उसके ऊपर में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा. परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट टैक्स है विद इन कलकत्ता अगर होगा. यहाँ पे क्या है, अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि विद इन दी स्टेट अगर आपकी मान लीजिए चार गोडाउन है, दो शोरूम है, सारा मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, और चूंकि पूरा स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन होगा तो विद इन द सेम रजिस्ट्रेशन अगर आप एक गोडाउन से दूसरे में या दूसरे गोडाउन से तीसरे शोरूम में, तीसरे शोरूम से चौथा शोरूम में कहीं भी माल ले जाइए विद इन द स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इट इज़ नॉट ए सप्लाई. लेकिन जब आप स्टेट से बाहर ले जाएंगे देन इट इज़ अ सप्लाई. तो विद इन द स्टेट अगर आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ले जाएंगे टैक्स नहीं लगेगा. बाकी जो डिलीवरी चालान वगैरह बनेगा वो अलग बात है डॉक्यूमेंटेशन का, लेकिन टैक्स नहीं देना, दैट इज़ नॉट ए सप्लाई, ओनली चालान में बन जाएगा. हेलो, इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा क्या? नो सप्लाई सो नो टैक्स इनवॉइस. सर रेट, इसमें रेट जुड़ेगा क्या? रेट मतलब प्रॉफिट जुड़ेगा क्या? अपना ही मतलब स्टॉक यहाँ पर है. उमेश थोड़ा सा क्लियरली, उड़ीसा में भेज रहे हैं आपने? उड़ीसा हाँ, अपनी ब्रांच में भेज रहे हैं. हाँ, तो उसमें की प्रॉफिट जुड़े हैं क्या? हाँ, मैंने यहाँ से अपनी ब्रांच है उड़ीसा. हाँ, तो यहाँ से जब भेज रहे हैं अभी टैक्स पेमेंट करके नहीं ले जाते हैं. हाँ, अब जीएसटी में क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई. हाँ, क्योंकि मेरी एक ही कंपनी बंगाल और उड़ीसा दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है. हाँ, तो दे आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन. प्रॉफिट जोड़े हैं क्या मतलब ट्रांसफर प्रॉफिट? हाँ, वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन का बात है. वैल्यूएशन ऑल्दो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक रिलीफ है वैल्यूएशन में, हालांकि बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन स्टॉक ट्रांसफर जब करेंगे तो वो बोलते हैं कि आप जिस प्राइस में भी बिल बनाओ, टैक्स इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा, तो टैक्स इनवॉइस में मैं जो भी प्राइस डिक्लेयर करूंगा दैट विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, मतलब दैट विल बी एन एक्सेप्टेड प्राइस, उसमें डिस्प्यूट नहीं होगा. लॉ में ये बोल दिया क्लियरली. अदरवाइज इसको लेके बहुत इश्यूज आ रहे थे, काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हम लोग का भी बहुत डिस्कशन हुआ, ये हुआ कि ये वैल्यूएशन का बहुत इश्यूज आएगा, कितना भी वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट प्राइस पे या कॉस्ट प्लस पे या कॉस्ट माइनस पे. तो फाइनली उन्होंने रूल्स में बोल दिया, अभी हम दिखलाएंगे, तो वहाँ पे बोला हुआ है ओपन मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ बोल दिया कि जो प्राइस आप डिक्लेयर करोगे टैक्स इनवॉइस में उसी को हम मान लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, तो उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते. नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए बोला हुआ है कि अगर किसी का भी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन लेना है. 20 लाख से नीचे है तो आपको जरूरी नहीं है, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में जा सकते हो फिर भी, बट जरूरी नहीं. लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वो 10 लाख किया हुआ, इन एनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ली है उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है 10 लाख का. एक पॉइंट और था नीचे में, एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि आप में से जो भी वैट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही है. वैट में जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है या सेंट्रल एक्साइज में जिसका है या सर्विस टैक्स में जिसका है उसका तो जीएसटी में उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही है. लाइक एज ऑन 30th जून, 30 जून को मान लीजिए आप आज अगर आपका सपोज टोटल टर्नओवर आपका 15 लाख ही है, 18 लाख है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, तो आप 30 जून के पहले पहले रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दीजिए तो आपको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर एज ऑन 30 जून आपका रजिस्ट्रेशन है तो 1 जुलाई में जीएसटी में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. ये है रजिस्ट्रेशन का. आगे तो क्या टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, आपको टैक्स देना पड़ेगा. मैं माइक 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 20 लाख का नीचे जिसका टर्नओवर है 20 लाख के नीचे नीचे हाँ, तो उसको क्या टैक्स देना पड़ेगा? रजिस्टर्ड है वो. अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स नहीं देना. नहीं, रजिस्टर्ड है. हाँ, रजिस्टर्ड है तो टैक्स देना है. ऑप्शन देना पड़ेगा. करेक्ट. हाँ, 20 लाख के नीचे में. सर एक मिनट, सर वो जो इंटर क्लियरेंस सैंपलिंग टेस्ट के लिए अपना टैक्स देना पड़ेगा क्या? केस के लिए सैंपलिंग टेस्ट के लिए इंटर स्टेट, हाँ इंटर स्टेट में क्लियरेंस हुआ तो उसमें नहीं. सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ? सैंपल टेस्टिंग के लिए. टेस्टिंग के लिए? हाँ. ओ, आप टेस्टिंग के लिए ले जाएंगे? नहीं, टेस्टिंग के लिए अगर आप ले जाते कहीं पे तो दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क. जीएसटी में उसको बोला गया जॉब वर्क. अगर आप कोई भी मटेरियल कहीं पे भी ले जा रहे हैं फॉर सम प्रोसेस और ट्रीटमेंट तो वो जॉब वर्क हो गया. तो जॉब वर्क के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट ले जाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और उसके जब जॉब वर्क के बाद वापस आएगा तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है. लेकिन वहाँ कंडीशन ये है कि विद इन 1 ईयर आपका वापस आ जाना चाहिए. जैसे पिछले था. हाँ, जैसे पिछले था. क्या फिक्स्ड? जैसे आपका एक्साइज में जैसे था. सेंट्रल एक्साइज में. हाँ, बिल्कुल करेक्ट. इसके लिए भी अलग बुक में करना पड़ेगा? अलग अलग बुक में करना पड़ेगा जैसे अभी करते हैं? नहीं, अलग क्या चीज में करना पड़ेगा? रजिस्टर. हाँ, जॉब वर्क रजिस्टर अलग होगा. करेक्ट. उसके लिए रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने कितना माल कहाँ पे भेजा, किस पर्पज से भेजा. करेक्ट.
persons required mandatory registration. ये 12 situation है, ऐसे लोगों को registration लेना ही पड़ेगा. उसमें क्या क्या है? Number one, persons making any interstate taxable supply. अगर आप कोई interstate taxable supply करते हैं तो आपका 20 लाख का turnover का threshold नहीं है. आपका अगर 10 लाख का भी turnover है लेकिन अगर आप interstate करते हैं तो आपको registration लेना ही पड़ेगा. और first point tax नहीं, registration लेना पड़ेगा, tax payment करना पड़ेगा. First point नहीं है, अब GST में multi point है, हर एक point पे tax लगेगा. दो नंबर में है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ. वो कोई अगर टेम्पोररी कोई अगर स्टेट में आया और बिजनेस किया तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. छोड़ देते हैं उसको. पर्सन्स रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, जो मैंने 9(3) वाला दिखाया था कि रिवर्स चार्ज में अगर किसी का टैक्स लाइबिलिटी आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का मैंने एग्जाम्पल दिया था, या जैसे आज भी है मान लीजिए लॉयर्स का. सपोज कोई भी बिजनेस एंटिटी, आप अगर कंपनी नहीं भी है, प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है, आपका टर्नओवर अगर 10 लाख से ऊपर है जो कि सबका होगा, और आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई मान लीजिए लीगल मैटर आ गया और अगर आपने कोई एडवोकेट को फीस पेमेंट कर दिया 25,000 रुपया, तो उसके ऊपर में सर्विस टैक्स आपको देना पड़ेगा. उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ये अगर आप कोई नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है, बट ये प्रोविजन है सर्विस टैक्स में. सिमिलरली जीएसटी में भी अगर आपका वो स्पेसिफाई कर देगा किस कंडीशंस में कौन से प्रोडक्ट के ऊपर में रिवर्स चार्ज होगा, जो जो स्पेसिफाई करेगा, एज मैंने आपको जो पहले बताया कि वैसा कोई खर्चा अगर आपका है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, अगर 20 लाख से नीचे भी है तो भी. स्पेशल स्पेसिफाइड बाय काउंसिल, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर छोड़ देते हैं. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन छोड़ देते हैं. हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51. ये भी क्या है, अभी जैसे STDS होता है, मतलब WCT TDS कटता है बहुत सी जगह पे. आप लोगों के लिए डीलर्स के लिए जनरली ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कंपनियों के लिए है कि कंपनी अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करती है उससे WCT TDS काटना पड़ता है. तो वो सिमिलर प्रोविजन यहाँ पे भी है. तो ऐसा जो वो लोग नोटिफाई करेंगे कि किसको किसको TDS डिडक्ट करना है, ये इनकम टैक्स का TDS नहीं है, ये GST का TDS अलग होगा. तो ये जिसको जिसको वो नोटिफाई करेंगे कि आपको आपको लेना है, उसको लेना पड़ेगा. पर्सन्स वो सप्लाई गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, किसी और के ब्रांड में अगर हम माल बेच रहे हैं, ब्रांड में मतलब कि भी किसी और के बिहाफ में, जैसे मान लीजिए सपोज रिलायंस का मोबाइल स्टोर है, तो रिलायंस कंपनी के बिहाफ में, क्योंकि आप जा रहे हैं रिलायंस के नाम से लेकिन वो रिलायंस का एजेंट है, रिलायंस के बिहाफ में काम कर रहे हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, उसका टर्नओवर कितना भी हो. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ. पर्सन्स मेकिंग सप्लाईज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, ये कुछ एक सिचुएशन में, मैं इसमें भी नहीं जा रहा हूँ. एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अदर पर्सन एज नोटिफाइड, मैं इसको छोड़ देता हूँ. तो ये इंटर बेसिकली दो तीन चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई इंटर स्टेट सप्लाई होता है अगर करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. दूसरा, अगर आपका कोई स्पेसिफाइड रिवर्स चार्ज वाला आइटम कुछ अगर होगा तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. ये दो केस में आपका मैंडेटरी है, और अदरवाइज 20 लाख वाला लिमिट तो है ही, बट 20 लाख वाला लिमिट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये सब केस में, आपको मैंडेटरीली लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, मैं इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ. बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बोला, एज आई सेड कि चूंकि आप लोग मैक्सिमम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वैट में, तो आपने माइग्रेशन करवा लिया होगा. माइग्रेशन क्या है, दिस इज एक्चुअली नॉट रजिस्ट्रेशन. ये रजिस्ट्रेशन ही, हम लोग उसको वेरी ऑफन रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, बट दिस इज नॉट रजिस्ट्रेशन. ये केवल आपका डेटा माइग्रेशन हो गया GSTN पोर्टल में, ताकि 1 जुलाई को वो आपको रजिस्ट्रेशन दे सकें. तो आपको अलग से एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा. तो अभी चूंकि आपका डेटा उसमें माइग्रेशन हो गया, उससे आपका जान पहचान हो गया GSTN से आपका, अब वो सारा डेटा उसको मिल गया, 1 जुलाई को क्या करेगा, वो सीधा आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट कर देगा, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. लेकिन कोई अगर रजिस्टर्ड अभी नहीं है और GST में अगर उसको लेना है, तो उसको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना है. 30 डेज के अंदर वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करेगा, और मान लीजिए 12 तारीख 15 तारीख या 20 तारीख या 25 जुलाई को उसको सपोज रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई. तो वो 1 जुलाई से 25 जुलाई तक जितना भी इन्वॉइस इशू किया उसका वो रिवाइज इन्वॉइस इशू कर देगा. तो ये नया रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रोसीजर है. वही मैंने अभी बताया ना कि ARN नंबर मिल गया, मतलब आपका माइग्रेशन हो गया, अब 1 जुलाई को आपको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा. करेक्ट, आपको नया रजिस्ट्रेशन आ जाएगा. सुओ मोटर रजिस्ट्रेशन, मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ. डीम्ड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक है कि SGST और UTGST, यानी कि SGST में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो CGST में भी ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर कोई CGST में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो SGST में भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो गया, अलग से आपको दोनों जगह अलग अलग एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, जो मैंने पहले भी बताया कि एक ही रजिस्ट्रेशन होगा. तो एक रजिस्ट्रेशन हो गया तो दोनों एक्ट में मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हैं. अमेंडमेंट, हाँ जी,
यूटी जीएसटी इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी, तो मैं यूटी जीएसटी को अलग से नहीं बात कर रहा हूँ, एसजी जैसे स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज है, तो या तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी के केस में यूटी जीएसटी अलग, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, फोर्ट ब्लेयर, मैंने इस तरह से अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर चेंज होता है आपका कि भाई पार्टनर चेंज हो गया या कोई प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन में अगर चेंज होता है, डायरेक्टर्स चेंज हो गया, तो उसके लिए आपका अमेंडमेंट का प्रोविजन है जो ऑलरेडी वैट में भी रहता है, सेंट्रल एक्साइज में भी रहता है, सर्विस टैक्स में भी रहता है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई डेथ, एमलगमेशन, डिमर्जर, ये सब के केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। दूसरा, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एक्सेट्रा, अगर आपको डिपार्टमेंट कभी पकड़ता है कि अरे आपने ये फ्रॉड किया, मतलब फ्रॉड का मतलब टैक्स का फ्रॉड किया कि भाई आपने माल नहीं बेचा, केवल टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, या आपने इनपुट टैक्स रेट ले लिया जबकि माल मिला ही नहीं आपको, इस तरह का कोई फ्रॉड अगर होता है, उस तरह के सिचुएशन में अगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को अगर लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपने ये गड़बड़ किया है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। कैंसिल कर दिया मतलब यू कैन नॉट डू बिजनेस, तो वो कैंसिलेशन का भी प्रोविजन है। और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अगर कोई कारण से वो कैंसिलेशन करता है, आप अगर उसको एप्लीकेशन करते हैं, आप अगर उसको कन्विंस कर सकते हैं कि मेरा कोई ऐसा फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस स्टेटमेंट नहीं था, तो आपका कैंसिलेशन रिवोकेशन भी हो सकता है, वापस यानी कि रजिस्ट्रेशन रेस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में एक दो नई बातें हैं। वैल्यूएशन में क्या है, सबसे पहले तो है वैल्यू विल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब आपका सेल प्राइस, जो बिल आपने बनाया उस बिल में जितना पैसा आपने चार्ज किया, ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब वैल्यू एट विच द ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस। ट्रांजेक्शन मतलब जितना में आप माल बेच रहे हैं वही ट्रांजेक्शन वैल्यू है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन वैल्यू में पांच एडजस्टमेंट हमेशा रहेगा, डी ए टी ई एस मैंने लिखा, इंक्लूजन्स उसमें है, डी ए टी ई एस, तो ये पांच इंक्लूजन है और एक एक्सक्लूजन है, मैं उसमें भी आऊँगा। तो इंक्लूजन में पांच क्या है, डी ए टी ई एस, अगर आप देखेंगे नीचे में राइट साइड में है डिले पेमेंट चार्जेस, देखिए डी ए टी ई एस में डी है डिले पेमेंट चार्जेस। ये डिले पेमेंट चार्जेस क्या है आप बता सकते हैं, टैक्स ऑन मान लीजिए आप इंटरनेट सपोज क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आप, तो क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, आज मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से आपने 5000 रुपया खर्चा किया, तो उसका एक पेमेंट का ड्यू डेट होता है कि इतना दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। अगर आप उतना दिन के अंदर नहीं करते हैं तो आप देखिएगा वो डीपीसी डिले पेमेंट चार्जेस बोल के लगाता है या इंटरेस्ट बोल के लगाता है, तो वो क्या है कि आपने जितना दिन के अंदर पेमेंट करना था वो नहीं किया, तो वो 2% या 3% या 2.95% लगा दिया, तो वो जो है डिले पेमेंट चार्जेस। उसी तरह तो उसके ऊपर में जैसे देखिएगा अभी सर्विस टैक्स लगाता है, तो अभी इसमें आपको जीएसटी भी लगेगा। अब मान लीजिए वैट में आपका ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा और आपका पेमेंट टर्म्स था कि एक महीने के अंदर तुमको पेमेंट देना है, और अगर वो एक महीने के अंदर पेमेंट नहीं दिया तो आपका टर्म्स में होगा कि 2% हम तुमसे एडिशनल पेनल्टी लगाएंगे या इंटरेस्ट लगाएंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन हम 2% एडिशनल लेंगे, या 3 महीने के बाद दोगे तो हम 5% एडिशनल लेंगे। तो ये जो डिले पेमेंट के कारण जो आप चार्ज ले रहे हैं एडिशनल, वेदर यू कॉल इट इंटरेस्ट, वेदर यू कॉल इट पेनल्टी, वेदर यू कॉल इट लेट फी, इसके ऊपर में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी। तो ये अभी वैट में नहीं है, ये अभी सेंट्रल एक्साइज में भी नहीं है, लेकिन अब जीएसटी में ये नया कॉन्सेप्ट, इवन सर्विस टैक्स में भी नहीं है, केवल बैंक के केस में वो डिफरेंट रीजन से लगता है, बट अदरवाइज मान लीजिए मेरा बिल अगर मैंने किसी को दिया, कोई क्लाइंट को 1,00,000 रुपये का, और वो अगर 3 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया, 6 महीने के अंदर कर रहा, तो मैंने अगर 5% एडिशनल लगा लिया, तो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है सर्विस टैक्स में कि उसके ऊपर सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जीएसटी में ये कॉन्सेप्ट नया आ गया कि आपको डिले पेमेंट चार्जेस के ऊपर में यानी कि इंटरेस्ट या पेनल्टी अगर कुछ होगा तो उसके ऊपर में भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये अभी तक नहीं था, ये एक नया कॉन्सेप्ट। जो मटेरियल का जो रेट है, सपोज आप प्लाईवुड में डील कर रहे हैं, तो प्लाईवुड में अगर आपका इस तरह का आता है तो प्लाईवुड का जो रेट है वही लगेगा, प्लाईवुड का अगर 28 है तो 28 लगेगा, लैमिनेट का अगर 18 है तो 18 लगेगा। हाँ, जितना कलेक्शन करेंगे भाई, मैंने मान लीजिए बिल बना दिया, सपोज आज क्या है, जून महीना है, जून में मैंने बिल बनाया, पेमेंट टर्म्स था जुलाई के अंदर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जुलाई के बाद आएगा तो 3% एडिशनल लेंगे। तो सपोज मेरा सितंबर में आया, तो जब मेरा वो एडिशनल पैसा आएगा 3%, उस समय वो 3% जो एडिशनल पैसा आएगा मेरा, उसका मेरे को टैक्स इनवॉइस बनाना है और उसके ऊपर मेरे को टैक्स देना है। हाँ, उसमें ओरिजिनल इनवॉइस का केवल रेफरेंस रहेगा कि इस इनवॉइस के रेफरेंस में मैं इतना रुपये का ये बना रहा हूँ, करेक्ट, डेबिट नोट या सप्लीमेंट्री बिल, तो उसके ऊपर में आप टैक्स दे दीजिए। डीलर इज टेकिंग प्लाईवुड एंड एज वेल एज लैमिनेट। हाँ,
different tax. One is 18% and another is 28%. What will be the delay payment charges के case में? देखिए ये एक issue already है, इसके ऊपर में अभी debates है, मतलब कि clarity नहीं है law में. तो इट्स बेटर कि या तो हम उसको एलोकेट कर दें कि मैं इस पेमेंट के अगेंस्ट में मैं इसको ले रहा हूँ, अदरवाइज हायर रेट लगा देगा डिपार्टमेंट. बेसी हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ द लॉ लॉते এখন ওই প্রভিজন ওরকম কোনো স্পেসিফিক প্রভিজন করা নেই, তার মানে ওটাতে একটা ডিসপিউট হবে. তো রিপ্রেজেন্টেশনসও করা হয়েছে, হয়তো একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আসতে পারে, কিন্তু যদি না আসে তাহলে আমি আমার অ্যাডভাইজেবল হবে যে আমি ওইটাকে অ্যালোকেট করে দেবো যে এই পেমেন্ট আমি এটার এগেনস্টে পেলাম, আদারওয়াইজ কিন্তু ও হায়ার রেট অফ ট্যাক্স লাগিয়ে দিতে পারে ডিপার্টমেন্ট. এটা একটা ইস্যু, খুব ভালো পয়েন্ট এটা, কিন্তু এটা নিয়ে অনেক ডিসপিউট চলছে, এটা নিয়ে অলরেডি মানে ডিবেট চলছে. ইয়েস क्या चीज सर माइक थोड़ा माइक ले इनवॉइस इशू करने के बाद मैं माइक माइक मैं कैश डिस्काउंट देता हूँ, तो कैश डिस्काउंट के के ऊपर जो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है जीएसटी उसका डिस्काउंट. हाँ आई विल कम टू दैट नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे. तो अभी हम एडिशंस की बात कर रहे हैं, तो डिले पेमेंट चार्जेस. दूसरा है एनी अमाउंट लायबल टू बी पेड बाय सप्लायर बट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट. कि कोई कारण से सप्लायर का, मान लीजिए आपने एफ ओ आर डिस्टेंशन सेल किया लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपने कस्टमर को बोल दिया कि आप पेमेंट कर दो, तो वो भी चूंकि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया बट एक्चुअली वो आपकी लायबिलिटी थी, तो वो भी आपके वैल्यू में इंक्लूड होगा. टी इज टैक्सेस, मैंने जीएसटी के अलावा अगर और कोई टैक्सेस एप्लीकेबल होता है उस सप्लाई से रिलेटेड तो वो टैक्स भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा. जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे कि सेंट्रल एक्साइज, जो सर ने बोला था कि भाई सेंट्रल एक्साइज ऐड करके हम वैट लगाते हैं लेकिन जीएसटी में वो नहीं लगाएंगे, तो जीएसटी में सीजीएसटी ऐड करके एसजीएसटी नहीं लगाएंगे, एसजीएसटी ऐड करके सीजीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन और कोई टैक्स अगर इससे रिलेटेड होता है एप्लीकेबल तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे. ये हो गया वैल्यूएशन. कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, हालांकि बेसिक कस्टम ड्यूटी तो आप जब इम्पोर्ट कर रहे हैं तब लगता है, आप जब सप्लाई कर रहे हैं तब नहीं लग रहा है, तो जब वो नेचुरली आपके कॉस्ट में आ गया. बट सपोज आप सप्लाई करते समय अगर और कोई टैक्स उसमें एप्लीकेबल होता है इस तरह का, लेट से कोई अभी आज दिन में मेरे को कोई बोल रहा था मार्केटिंग एग्रीकल्चरल स्टेट मार्केटिंग बोर्ड या ऐसा कुछ, उसका कोई टैक्स लगता है, तो उस तरह का कोई टैक्स अगर मेरा सप्लाई के साथ लग रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर में भी टैक्स देना पड़ेगा. ई ई इज एक्सपेंसेस, मैंने कहा था डी ए टी एस, तो डी ए टी ई, ई इज एक्सपेंसेस इंसिडेंटल, यानी कि पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉरवर्डिंग कमीशन इस टाइप का कोई खर्चा अगर उससे रिलेटेड है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यानी कि सप्लाई से रिलेटेड कोई खर्चा है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. तो आपका कोई भी खर्चा आप कूली काटेज बोल के कुछ भी ले रहे हैं अगर माल बेचते समय, तो पूरे वैल्यू के ऊपर में आपको टैक्स लगाना है अगर आप ले रहे हैं. और लास्ट में है सब्सिडी, अगेन वो आपसे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है. कोई फैक्ट्री में, भाई सेंचुरी का फैक्ट्री में 200 लेबर काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्टर को दिया कि तुम मेरे लेबर्स को 15 रुपये में खाना खिलाओ, और वो बोल रहा है कि हमको तो 30 रुपये चाहिए, तो सेंचुरी बोलता है कि ठीक है 15 रुपये मैं तुमको सब्सिडी दे दूंगा, तो उसको 30 रुपये के ऊपर टैक्स देना है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी इसमें नहीं है. अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, अगर और कोई तरह का सब्सिडी है तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, हमारे लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है. आगे बढ़ो. वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट टू इंक्लूड डिस्काउंट, समबडी वॉज आस्किंग अबाउट डिस्काउंट. तो डिस्काउंट में दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक है डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और दूसरा है डिस्काउंट गिवन आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई. तो अगर आप पहले ही देते थे, यानी कि इनवॉइस बनाते समय अगर आपने डिस्काउंट दे दिया, भाई 1500 रुपये प्राइस लेस डिस्काउंट 150 रुपये 10% कर दिया, तो 1350, तो आपको 1350 रुपये टैक्स देना है. ये आज वैट में भी है, सेंट्रल एक्साइज में भी है. प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए इनिशियली जैसे सेंचुरी ने आपको पहले बेच दिया भाई 1500 रुपये करके, और आपको बोला कि आप पूरे साल में अगर 5 करोड़ का माल लेते हैं तो मैं आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, तो पूरे साल में जब आपका 7 करोड़ का बिलिंग हो गया तो आपको एडिशनल डिस्काउंट 10% 70 लाख का क्रेडिट नोट मिल गया. तो वो जो क्रेडिट नोट बाद में मिला इसके ऊपर में टैक्स का क्या होगा, इसमें जैसे वैट में भी इसको लेके काफ़ी डिस्प्यूट होता है, जीएसटी सेंट्रल एक्साइज में भी डिस्प्यूट होता है. यहाँ जीएसटी में स्पेसिफिकली बोला हुआ है, ये वैट में नहीं था, ये जीएसटी में स्पेसिफिकली बोला हुआ है. वैट में और सेंट्रल एक्साइज में इसको लेके इंटरप्रिटेशन का इशू था, इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने हालांकि यही किया कि नहीं वो भी अलाउड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया कि अगर आप बाद में भी देते हैं तो दैट विल ऑल्सो बी डिडक्टेड, यानी कि वो वैल्यू से माइनस हो जाएगा, इसका मतलब उसका टैक्स रिवर्स हो जाएगा. लेकिन उसमें दो कंडीशंस हैं. एक नंबर कंडीशन है कि डिस्काउंट इज इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई, यानी कि सेंचुरी आपको पहले ही बोल दिया कि भाई अगर पूरे साल में आप इतना लोगे तो इतना डिस्काउंट देंगे, या तो उसका कोई सर्कुलर होगा, ट्रेड सर्कुलर होगा, या कोई मेल होगा, या आपके साथ कोई अरेंजमेंट होगा, कोई एग्रीमेंट होगा, तो टर्म्स ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ रहेगा. दैट इज नंबर वन.
एंड नंबर टू वहाँ पे बोला हुआ ITC हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट, यानी कि आपको जब इनिशियली 1500 रुपये में बिल आया, GST 1500 रुपये के ऊपर लग के आया, आपने पूरे का क्रेडिट इनपुट ले लिया, बाद में अगर आपको 150 रुपये का डिस्काउंट का क्रेडिट नोट आता है तो आपको 150 रुपये के ऊपर जितना GST होता है वो आपको भी रिवर्स करना पड़ेगा। ये नहीं कि सेंचुरी भी टैक्स रिड्यूस कर दिया और आप अपना पूरा इनपुट ले लिए, वो नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो डिस्काउंट बाद में भी दिया लेकिन फिर भी उसका वैल्यू डिडक्शन हो जाएगा। करेक्ट, GST करेक्ट, दैट्स राइट। तो ये वैल्यूएशन का हो गया। आगे बोलो। अब यहाँ पे ऑल्दो ये आपके लिए अगेन रेगुलर कोर्स में बहुत रिलेवेंट नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल से इसको हम स्किप करते हैं। यहाँ एक ओपन थोड़ा सा छोटा सा बता देता हूँ कि कंसिडरेशन वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होल्ली इन मनी, तो दो तीन कॉन्सेप्ट है। एक है ओपन मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। यस, आपने बोला कि जैसे डिस्काउंट अगर रिवर्स होता है तो वो सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लाउड। सामने वाले की बुक में अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो सामने वाले की बुक में भी उसको एंट्री होना चाहिए। अगर हम एंड यूजर को करते हैं, आप थोड़ा सा या तो लाउड माइक को सामने लीजिए। सर, डिस्काउंट के लिए आपने कहा ना कि जैसे अगर मैं बुक में डिस्काउंट दिखाता हूँ तो सामने वाला को भी अपने रिवर्स में दिखाना पड़ेगा कि वो डिस्काउंट लिया। राइट। अगर हम एंड यूजर को अगर देते हैं तो वो तो मेरी बुक में रहेगी, उसकी बुक में तो रहेगी नहीं। हाँ, तो चूंकि उसने इनपुट टैक्स रेट नहीं लिया है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी ना। करेक्ट। रजिस्टर्ड अगर पार्टी को देंगे तो वहाँ पे ये इशू है। ओपन मार्केट वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है, ओपन मार्केट वैल्यू का, कि जहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली असर्टेनेबल नहीं है, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। जो जैसे कि हम लोग मान लीजिए स्टॉक ट्रांसफर की बात करें तो उसके लिए भी वही है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू चूंकि अवेलेबल नहीं है तो वैसा सिचुएशन में ओपन मार्केट की वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पर्टिकुलरली स्टॉक ट्रांसफर के लिए यहाँ पे एक एक्सक्लूजन दिया हुआ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आप डिक्लेयर करेंगे इनवॉइस में वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज ओपन मार्केट वैल्यू। यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर नहीं है, ऐसा सिचुएशन में अगर हम करते हैं तो ओपन मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई स्टॉक ट्रांसफर नहीं किया लेकिन मेरे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कि आपकी दुकान में से आप कुछ मटेरियल, कुछ 10 पीस बोर्ड आप घर में लेंगे कोई कारण से, तो उसके ऊपर में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ ट्रांजेक्शन वैल्यू तो है नहीं, तो उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू के ऊपर में आपको टैक्स देना है। तो ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब जिस प्राइस में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है उस प्राइस को, उसको वैल्यू पकड़ के उसके ऊपर में आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, नॉट ऑन योर परचेज प्राइस, ओपन मार्केट वैल्यू फॉर द सेल, कि वो प्रोडक्ट ओपन मार्केट में कितना में मिलेगा, तो जिस प्राइस में आप बेच रहे हैं वो प्राइस लिया जाएगा उसको, ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा है वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, तो बोलता है कंसिडरेशन इन मनी प्लस मनी वैल्यू ऑफ अदर कंसी। इसमें भी मैं नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ये छोड़ देते हैं। तो रूल टू है बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, वहाँ पे वो बोला हुआ ओपन मार्केट वैल्यू और सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, लेकिन वहाँ पे एक क्लॉज है कि अगर आप जो भी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे इनवॉइस में दैट विल बी एक्सेप्टेड, तो इसलिए वहाँ पे भी हमको कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन वैसा नहीं है। और सप्लाई मेड और रिसीव थ्रू एजेंट, एजेंट के केस में अगर होगा तो वहाँ पे भी ओपन मार्केट वैल्यू का केस है, वहाँ पे भी बोला हुआ है कि ये जो प्राइस आप डिक्लेयर करेंगे दैट विल बी एक्सेप्टेड और एडमिटेड वैल्यू में। आगे रूल फोर में आओ। रूल फोर, यहाँ पे एक और रूल है, अगर वैल्यू इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन, अगर वो रूल 1, 2, 3 अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है उस केस में हम 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। ये भी एक सिचुएशन है कि मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर 10% ऐड करके उसके ऊपर में भी हम टैक्स दे सकते हैं। ये लेकिन चौथा ऑप्शन है, जब पहला दूसरा तीसरा एप्लीकेबल नहीं है तब चौथा आएगा। ये एक और ऑप्शन है यहाँ पे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखिए दो स्टेप है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम लोग बात कर रहे थे कि इनपुट कब मिलेगा, तो पहला है कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड फॉर बिजनेस। तो एक तो आपको बिजनेस के लिए यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि भी हम अगर कोई और पर्पज से अगर मान लीजिए कोई मैंने किसी को बांट दिया, गिफ्ट दे दिया, तो उस केस में उससे रिलेटेड जितना इनपुट है वो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, वो मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। तो पर्पस बिजनेस पर्पस से यूज होगा तभी मेरे को इनपुट मिलेगा। दूसरा, केवल बिजनेस पर्पस से होने से नहीं होगा, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर आपका टैक्सेबल है यानी कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं तभी
इनपुट मिलेगा। अगर आप एग्जेम्प्ट है कोई कारण से, बहुत सा प्रोडक्ट में एग्जेम्प्शन भी होगा, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए अगर आप दे रहे हैं तो फिर आपका उसका इनपुट नहीं मिलेगा। जितना आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए करेंगे उतना का ही इनपुट मिलेगा, यानी कि बिजनेस के लिए भी होना चाहिए और उस बिजनेस में भी वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए होना चाहिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए नहीं होना चाहिए, तभी मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और कंडीशंस यहाँ पे चार कंडीशंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, मेजर कंडीशंस। नंबर वन, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने जब परचेस किया था उसका परचेस का बिल आपके पास होना चाहिए, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नंबर टू, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, यहाँ पे एक इशू है, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, यानी कि आपने अगर जिससे खरीदा वो गवर्नमेंट को वो टैक्स का पैसा जमा किया कि नहीं, अगर वो नहीं करता है तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगेन एक नया कॉन्सेप्ट, हालांकि वैट में है ये ऑलरेडी, वैट में मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये मैचिंग बोलते हैं, तो वैट में ये मैचिंग है, सिंटल एक्साइज और सर्विस टैक्स में नहीं है, लेकिन अब जीएसटी में ये मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया। तीसरा है, गुड्स और सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आप अगर मटेरियल नहीं रिसीव किए और आपने क्रेडिट ले लिया तो गड़बड़ है, मतलब आपको मटेरियल रिसीव किए बिना अगर केवल, यानी कि पेपर ट्रांजेक्शन होता है ना कई बार, कि भी मैंने केवल बिल ले लिया, तो वो अगर ऑन रिकॉर्ड सामने आता है तो फिर वहाँ पे पेनल्टी, फाइन, प्रोसिक्यूशन सारा है उसमें। तो गुड्स शुड बी रिसीव्ड एक्चुअली, यानी कि इसमें बेसिक कंडीशन ये है कि गुड्स अगर रिसीव नहीं हुआ पहले आपके पास, अगर इनवॉइस आ गया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जब गुड्स रिसीव करेंगे उसके बाद ही मिलेगा। तो जब तक गुड्स रिसीव नहीं करेंगे तब तक, यानी कि आपको ये दिखलाना पड़ेगा कि मेरे को गुड्स रिसीव हुआ कब हुआ, आपका चाहे जो भी रिसीट, मान लीजिए परचेज रजिस्टर है या चलन, जो भी आप मेंटेन करते हैं फैक्ट्री में गुड्स रिसीव नोट होता है, उसी तरह से आपके दुकान में भी कुछ रजिस्टर मेंटेन होता हुआ, उसमें प्रॉपर एंट्री वगैरह होना चाहिए हमारा कि भी मैंने गुड्स रिसीव किया है। और चौथा है रिटर्न फर्निश्ड, आप अगर परचेज किए हैं और इनपुट अगर आपको लेना है तो आपको अपना रिटर्न भी फर्निश करना जरूरी है, ये अभी तक कंडीशन नहीं था कभी, लेकिन अब ये भी कंडीशन में आ गया कि आप अगर रिटर्न फर्निश नहीं करते हैं तो आपको इनपुट रेट नहीं मिलेगा, रिटर्न फर्निश करने से ही आपको इनपुट रेट मिलेगा। रिटर्न फर्निश कभी नहीं करें, बहुत से लोगों का होता है कि कोई कारण से रिटर्न फर्निश नहीं हुआ, सर मेरा 3 महीने का रिटर्न नहीं हुआ, से 6 महीने का रिटर्न नहीं हुआ, तो इनपुट भी नहीं मिलेगा, रिटर्न फर्निश करने से ही मिलेगा। ये एक्चुअली इनपुट जीएसटी में क्या है, पूरा का पूरा ऑनलाइन सारा कंप्लायंस होगा, तो ऑनलाइन आप रिटर्न फाइल करेंगे, ये अभी हम थोड़ी देर में रिटर्न की भी बात करेंगे। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि रिटर्न, यहाँ पे तीन रिटर्न फाइल होगा का मतलब नॉमिनक्लेचर वाइज हम लोग बोलते हैं तीन रिटर्न, एक्चुअली रिटर्न में क्या होता है, आप लोगों से तो हर कोई वैट में रजिस्टर्ड है, तो वैट में जब आप रिटर्न देते हैं वैट का, आपने कभी देखा है वैट का रिटर्न कैसा होता है, फॉर्म 14 क्या होता है, बहुत से लोग तो देखा होगा ना वैट फॉर्म 14 क्या होता है, खुद ही फाइल करते होंगे। तो फॉर्म 14 में रहता है, पहले आप सेल्स का डिटेल्स देते हैं कि मैंने कितना सेल्स किया, कितना लोकल किया, कितना इंटरेस्ट रेट किया, कितना लैमिनेट किया, कितना प्लाईवुड किया, किस पे क्या रेट है, उसी तरह फिर आप परचेज का डिटेल्स देते हैं कि इस महीने में मैंने टोटल कितना परचेज किया, किस रेट में परचेज किया, कितना इनपुट मिला, और फिर आप टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं कि मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ, उसमें से टैक्स आईटीसी मेरे को कितना मिला, और नेट टैक्स पेबल कितना है, टैक्स पेड कितना है। अच्छा, एक ही बात है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परचेज का रिटर्न दिया, सेल्स का रिटर्न दिया, आप ठीक बोल रहे हैं, फॉर्म 14 में पहले परचेज आता है फिर सेल्स आता है, और उसके बाद आप टैक्स कंप्यूटेशन देते हैं कि टैक्स पेएबल कितना है, टैक्स पेड कितना है, उसमें इनपुट टैक्स रेट मैंने कितना यूज़ किया, कितना कैश में पेमेंट किया, ये सारा डिटेल्स रहता है। इसी को जीएसटी में क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, अभी परचेज का डिटेल्स पहले नहीं देंगे, अब जीएसटी में सेल्स का डिटेल्स पहले देंगे, तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। अब माइंड यू जीएसटी में अब सेल नहीं है, सप्लाई है, तो आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई, सेल हो गया आउटवर्ड सप्लाई, परचेज हो गया इनवर्ड सप्लाई, तो पहले मेरे को आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स देना पड़ेगा GSTR 1 में, GSTR 1, अभी मैं इसमें, अच्छा ठीक है छोड़ो, GSTR 1 में मेरे को आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स देना पड़ेगा, उसमें चले जाओ GSTR 1, तो GSTR 1 में फाइल करूंगा बाई 10th हर एक महीने के एंड में। अभी आपका वैट रिटर्न कब कब जाता है मालूम है, कितना साल में कितना रिटर्न लगता है, 4 रिटर्न, यानी कि क्वार्टरली 1 रिटर्न लगता है 3 महीने में। अब जीएसटी में आपको हर एक महीने रिटर्न देना है, रिटर्न आपका हर महीने जाएगा, क्वार्टरली नहीं होगा, मंथली होगा, और मंथली जो रिटर्न जाएगा उसमें भी 10 तारीख को पहले आपका GSTR 1 जाएगा जिसमें केवल आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स जाएगा, फिर 15 तारीख को GSTR 2 जाएगा जिसमें इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज का डिटेल्स जाएगा, और फिर 20 तारीख को आपका GSTR 3 यानी कि जो रिटर्न है जिसमें आपका टैक्स कंप्यूटेशन होगा कि मेरा टैक्स पेएबल कितना, टैक्स पेड कितना, आईटीसी से कितना पेमेंट किया, कैश कितना पेमेंट किया, वो सारा डिटेल्स रहेगा।
तो GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 10 तारीख 15 तारीख 20 तारीख करेक्ट 10 हाँ क्या चीज कॉम्पोजिशन वाले का GSTR 4 जाएगा GSTR 4 वो क्वार्टरली जाएगा वो अलग रिटर्न जाएगा वो एक ही रिटर्न जाएगा उसमें तीन नहीं होगा और वो भी क्वार्टरली जाएगा लेकिन अदरवाइज रेगुलर के लिए GSTR 1, 2, 3, 10, 15 और 20 तीन दिन में तीन जाएगा अब देखिए ये अब हाँ 10, 15 और 20 जो डेट्स इसकी जो है वो फिक्स रहेगी क्या 10, 15 और 20 डेट वो तो डेट तो हर चीज में रहती है ना नहीं नहीं जैसे डेट्स तारीख हाँ हाँ फिक्स मतलब क्या वो तो हर चीज में रहता है ना नहीं नहीं जैसे आज वैट का रिटर्न के लिए हम लोग को एक महीने की 30 दिन की टाइम मिलती है कि आप एक तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में कभी भी आप भर सकते हो आफ्टर द रिटर्न पीरियड क्वार्टर पीरियड एक से लेके 30 तारीख तक की टाइम मिलती है बिल्कुल इसमें क्या जैसे 10 तारीख आपने कहा 10 तारीख के अंदर में कभी भी भर सकते हैं एक से 10 हाँ ऑब्वियसली 10 तारीख मतलब ड्यू डेट उसको जैसे अभी आपका 30 तारीख ड्यू डेट है ड्यू डेट का मतलब ये नहीं कि उसी दिन भरना है उस पीरियड में कभी भी भर सकते हो वही चीज पूछ तो वैसे ही GSTR 1 जो है उसका ड्यू डेट है 10 तारीख और GSTR 2 का ड्यू डेट है 15 तारीख और GSTR 3 का ड्यू डेट है 20 तारीख लेकिन प्रॉब्लम क्या है जब तक आपका GSTR 1 नहीं जाएगा आपका GSTR 2 नहीं जाएगा नंबर वन नंबर टू मान लीजिए आपने GSTR 1 अगर आपने तीन दिन में भर दिया तीन तारीख को तो आप 4 तारीख को GSTR 2 नहीं भर पाएंगे GSTR 2 आपका 10 तारीख के बाद ही जाएगा क्यों जाएगा अब बैठिए मैं बताता हूँ आपको क्यों जाएगा यही मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि GST में ये जो GSTR 1, 2 और 3 जाएगा GSTR 1 10 तारीख के अंदर GSTR 2 15 तारीख के अंदर GSTR 3 20 तारीख के अंदर ये सारा GST ये सब ऑनलाइन जाएगा एक तो ऑनलाइन होगा सर मैनुअल कुछ नहीं होगा तो ऑनलाइन जब आप फाइल करेंगे GST में सारा मैचिंग के ऊपर में बेस करके होगा तो सपोज आप अपना GSTR 1 फाइल कर रहे हैं 10 तारीख के अंदर उसी तरह आपका जो सप्लायर है वो भी अपना GSTR 1 फाइल कर रहा है तो मान लीजिए सर आपने सेंचुरी से खरीदा तो आपने अपना डिटेल्स दिया GSTR 1 में कि जितना मैंने बेचा है सेंचुरी भी अपना डिटेल्स देगा कि मैंने किस पार्टी को कितना माल बेचा है इस महीने अब जो सेंचुरी मैंने आप नॉट ओनली सेंचुरी आप जिस पार्टी से भी खरीदेंगे आप मान लीजिए 4 कंपनी से खरीदे तो चारों कंपनी देगा कि आपको उसने कितना माल बेचा है वो सारा आपका GSTR 2 में इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा आपको भरना नहीं है ऑटोमेटिक आपके GSTR 2 में आ जाएगा आपका जितना सप्लायर है वो लोग अपना अपना टैक्स पेमेंट करेगा रिटर्न माने टैक्स तो बाद में करेगा रिटर्न GSTR 1 भरेगा तो उनके GSTR 1 से आपका जितना डिटेल्स है वो आपके रिटर्न में GSTR 2 में आ जाएगा तो इसीलिए हाँ जैसे ऑनलाइन आ जाता है उसी तरह से यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आपके इसमें आ जाएगा तो अब इसीलिए मैंने कहा कि मान लीजिए आप अपना GSTR 1 तो 2 तारीख को भर दिए लेकिन GSTR 2 आप 4 तारीख को 6 तारीख को नहीं भर पाएंगे क्यों नहीं भर पाएंगे कि आपके जितने सप्लायर हैं वो लोग सब अपना अपना GSTR 1 10 तारीख तक भरेंगे तो तभी आपके डिटेल्स में आएगा तो इसलिए आपको GSTR 2 के लिए 10 तारीख के बाद ही आप भर पाएंगे अब उसमें लास्ट डेट है 15 तारीख तो 15 तारीख तक क्या हुआ आपका GSTR 2 में सारा डिटेल्स आ गया जब डिटेल सारा आ गया अब आप चेक कर लीजिए कि मेरा इस महीने में सेंचुरी पिछले महीने में सेंचुरी से कितना माल परचेज हुआ था 4 बिल था चारों आ गया कि नहीं पहले चेक कर लीजिए कि मेरा चारों आ गया कि नहीं अगर नहीं आया मान लीजिए आपने देखा कि 3 ही आया है तो आप चौथा बिल अपने से एंटर कर सकते उसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो तो 5 बिल दिखा रहा है यानी कि गलती से एक बिल दिखा रहा है तो मेरा है नहीं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते और अगर किसी बिल का डिटेल्स में आपको दिख रहा है कि नहीं ये तो गड़बड़ है ये तो डिटेल्स ठीक नहीं भरा इसमें क्वांटिटी गलत है या वैल्यू गलत है या टैक्स गलत है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं तो आपका जो डिटेल्स GSTR 2 में आएगा ऐड डिलीट मॉडिफाई कुछ भी करना हो कर सकते हैं अब मान लीजिए मैंने करेक्शन जो करना था कर लिया करके मैं अपना GSTR 2 अपलोड कर दिया ठीक है GSTR 2 अपलोड कर दिया अब GSTR 3 आएगा तो जब तक आपका GSTR 2 नहीं जाएगा तब तक GSTR 3 आप नहीं कर सकते इसीलिए GSTR 3 आप 15 तारीख के बाद ही कर सकते हैं तो ये एक लिमिटेशन है लेकिन 16 को भी कर सकते हैं 18 को भी कर सकते हैं 20 को भी कर सकते हैं एकदम होगा वो मैचिंग भी होगा जब भी जैसे ही आप एडिशन करेंगे या डिलीशन करेंगे करके जब आप अपना अपलोड करेंगे GSTR 2 तो सामने वाले का जिसका आपने ऐड किया या डिलीट किया उसके पास वो GSTR 1A बोल के है उसमें चला जाएगा उसको दिख जाएगा कि ये पार्टी ने ये ऐड किया डिलीट किया
अब वो भी अपना करेक्शन कर लिया, आपका जो वो था एक्सेप्ट कर लिया, वो फाइल कर दिया, अपलोड कर दिया, करेक्शन कर दिया, तो आपका मैचिंग हो गया। हाँ सॉरी, करेक्ट, नहीं मान लीजिए नॉट नेसेसरी, अभी वो सपोज कंफर्म नहीं भी किया, लेकिन आप अपना जीएसटी R2 अपलोड कर दीजिए। अब अगर वो अगर कंफर्म नहीं करेगा तो एक मिसमैच रिपोर्ट जनरेट होगा, जो उसके पास भी चला जाएगा, आपके पास भी आ जाएगा। अब ये जो मिसमैच रिपोर्ट आ गया, इसके लिए आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने तक आप उसको उससे सेटल करके मैटर को क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लियर हो गया तो जिस दिन क्लियर हो जाएगा उस दिन मैटर खत्म, अगर 2 महीने में नहीं सेटल होगा, नहीं रिकनसाइल होगा, तो 3rd महीने में आपके रिटर्न में वो आउटपुट टैक्स में ऐड हो जाएगा। यानी कि चूंकि आपने परचेज किया था लेकिन आपके सप्लायर ने उसको नहीं डाला, तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, वो इनपुट आपके आउटपुट टैक्स में ऐड हो जाएगा। यानी कि एक तरफ तो आपने उसके बिल में उसको पेमेंट दे दिया, प्लस इधर वापस आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे एकदम उससे क्लेम कर सकते हैं, हाँ उससे आप क्लेम करते रहिए, ये आपका प्रॉब्लम। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपका रिस्पॉन्स मैंने टैक्स पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजर के ऊपर डाल दिया, कि आपने अगर किसी को पेमेंट किया तो वही जो हम लोग इनपुट टैक्स रेट में जो कंडीशन देख रहे थे कि टैक्स शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, तो आपको ये इंश्योर करना, ये इस तरीके से इंश्योर होगा। ये मैचिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने इसीलिए इतना बताया अभी कि ये मैचिंग के बेसिस पे पूरा कंप्लायंस होगा। तो जब आप रिटर्न में आप अपना GST R2 में ले लेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो प्रोविजनल हो गया, और जब वो मैच हो जाएगा तब वो फाइनल हो जाएगा, और अगर फाइनल नहीं हुआ तो फिर वो आपका आउटपुट टैक्स में आ जाएगा। तो ये GST R1 और GST R2 का मैचिंग का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जो वर्ल्ड ओवर ये चलता है, सब जगह ऐसे सब जगह ऐसी है सर, करेक्ट। अभी क्या है हिंदुस्तान में हमारा जो कल्चर है, अभी तक हम लोग जिस कल्चर में रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब सेटल हो जाएगा GST लॉ, हम लोग सब समझ जाएंगे, उसके बाद में हमारा लाइफस्टाइल कैसे होगा। अभी तक हम लोग इसमें हैबिचुएटेड नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए अभी हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। आज सर मोबाइल जब आया, मोबाइल के अंदर हम लोग सब कुछ करते हैं। आज जब आया था तो लगता था मोबाइल में ये सब कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन आज एक एक बच्चा मोबाइल का हर एक ऐप यूज़ करता है, उसमें सारा काम आप कर रहे हैं, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो उसी तरह थोड़ा दिन बाद हम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हम लोग उसी तरह से बिजनेस करने में हैबिचुएटेड हो जाएंगे। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बिजनेस कोड, बिजनेस करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। हर चीज़ आपका ऑनलाइन, इसमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपका अकाउंट पेंडिंग नहीं रहेगा। साल के बाद में सितंबर में जाके अपन अपना अकाउंट्स बनाते हैं, मिलाते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा सर। हर महीने आपको अकाउंट्स अपना मिला लेना पड़ेगा, हर एक महीने आपका अकाउंट्स आपका सप्लायर से मैच हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा, हर महीने आपका कस्टमर से अपना अकाउंट मैच हो जाएगा, तो आपका अकाउंट्स अपडेट होते रहेगा। पेंडिंग नहीं रख सकते आप, क्योंकि अगर पेंडिंग रखेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिटर्न पे टैक्स पूरा अगर मैचिंग नहीं करेंगे तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं मिलेगा तो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको टैक्स टाइमली पेमेंट करना है, रिटर्न टाइमली भरना है, और रिटर्न एक्यूरेटली भरना है, और ये बहुत एसेंशियल है हर एक आदमी के लिए। अपोर्शनमेंट एक और यहाँ पे था, बिजनेस और नॉन बिजनेस, यानी कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहे थे, कि अगर मान लीजिए मेरा टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई है तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में जाओ, कुछ एक आइटम्स है जिसका आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें जैसे एक है मोटर कार, मोटर व्हीकल, अगर मोटर कार हम खरीदते हैं उसके ऊपर में टैक्स पेमेंट करें, उसका इनपुट टैक्स रेट मेरे को नहीं मिलेगा। हम लोग अक्सर कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से, दुकान बिजनेस के नाम से खरीद लेते हैं, उसका डिप्रिसिएशन बेनिफिट लेते हैं इनकम टैक्स में, लेकिन यहाँ GST में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, आगे बढ़ो। अब मान लीजिए देखिए, फूड एंड बेवरेज, हेल्थ सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, आउटडोर कैटरिंग, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस, रेंट कैब माने गाड़ी वाड़ी का, टैक्सी वगैरह का भाड़ा, ये सब पे भी नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब आइटम के ऊपर में भी इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा। यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट बोलता है कि ये सब आपका बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है डायरेक्टली। नेक्स्ट यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, इस तरह मान लीजिए आपका कोई वेयर हाउस या गोडाउन है, गोडाउन का आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या रिपेयर करवा रहे हैं, उसके ऊपर में भी जो GST लगेगा उसका भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले ठीक है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सनल कंजम्पशन, लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, अगर आपका कोई गुड्स मान लीजिए लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, स्टोलन हो गया, तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर कुछ मटेरियल मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया या स्टोलन हो गया, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को उतना रिवर्स करना पड़ेगा। मेरा स्टॉक से अगर वो माइनस हो गया तो उसका इनपुट भी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। और
लास्ट में फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है आगे बढ़ो, आगे आगे चलो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे हमको IGST, CGST, SGST, एक बार UTGST को छोड़ दीजिए, अननेसेसरी कन्फ्यूजन होगा अपने तीन को, क्योंकि UTGST और SGST पैरेलल सेम फुटिंग पे है। तो IGST, CGST, SGST तीन तरह का GST हम पेमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। आप अगर लोकल कोई खरीद रहे हैं तो CGST और SGST लग के आ रहा है, अगर आपका बाहर से माल आ रहा है तो IGST लग के आ रहा है। तो आपका तीनों का इनपुट आपको मिलना है, तो मैं ये समझ लेता हूँ आप तीनों का इनपुट आप तीन अलग अलग बास्केट में डाल दीजिए। एक बास्केट में आप CGST क्रेडिट, एक में SGST क्रेडिट और एक में IGST क्रेडिट। अब सेल करते समय भी आपका लोकल सेल हो सकता है, इंटरेस्टेड हो सकता है, तो लोकल करेंगे तो आपका लायबिलिटी है CGST का और SGST का, इंटरेस्टेड करेंगे तो आपका लायबिलिटी है IGST का। तो आपको तीनों में से कोई भी टैक्स पेमेंट करना पड़ सकता है, तो ये पूरा क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल में क्या है कि CGST और SGST ये दोनों का क्रॉस सेट ऑफ नहीं होगा कभी भी, यानी कि CGST का आपके पास इनपुट है और SGST का लायबिलिटी है तो आप उससे यूज़ नहीं कर सकते, और SGST का इनपुट है और CGST पेमेंट करना है तो आप उससे नहीं कर सकते। ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ये एक नंबर। इसके अलावा क्या है, अब तीनों का सपोज IGST का क्रेडिट आपके पास में है तो IGST का क्रेडिट पहले IGST के लिए यूज़ होगा। IGST का क्रेडिट हम तीनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले उसको IGST में यूज़ करेंगे, फिर बचेगा तो CGST में यूज़ करेंगे, फिर बचेगा तो SGST में यूज़ करेंगे। उसी तरह CGST का क्रेडिट पहले CGST में यूज़ करेंगे, फिर IGST में यूज़ करेंगे, SGST में नहीं कर सकते। उसी तरह SGST का क्रेडिट पहले SGST में यूज़ करेंगे, फिर IGST में यूज़ करेंगे। ये जो रूल है, इस रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा, ये इसको हम डिबेट नहीं कर सकते, ये मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा किससे सेट ऑफ होगा, तो बाकी सारा ही सेट ऑफ हो जाएगा। यानी कि कहीं पे भी आप देखेंगे कभी भी आपका ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि आपके पास ये क्रेडिट जमा ज़्यादा है और वो क्रेडिट कम हो गया, ऐसा जनरली नहीं होगा। बिकॉज कंकरेंट लेवी में क्या है ना, CGST और SGST दोनों लग के आएगा हर जगह, और अगर बाहर का होगा तो IGST लग के आएगा, और सिमिलरली आप जब बेचेंगे तो लोकल होने से CGST SGST लायबिलिटी दोनों आएगा, इंटरेस्टेड होने से IGST आएगा। तो एक दूसरे का, एक का क्रेडिट ज़्यादा हो गया दूसरे का कम हो गया CGST और SGST में, ऐसा जनरली नहीं होगा। हाँ, करेक्ट। ये देखिए IGST का, यानी कि क्रेडिट आपके पास IGST आ गया, पहला कॉलम देखिए IGST का क्रेडिट है। अब उसको लोकल सेल करेंगे तो CGST और SGST लायबिलिटी है, तो जो पहले CGST लायबिलिटी है वो पहले पूरा IGST से सेट ऑफ कर लीजिए, फिर SGST का लाए वो भी पूरा IGST से सेट ऑफ कर लीजिए, पूरा यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, ये आपको करना पड़ेगा कि किससे कितना यूज़ करना है, तो ये आपको अप्लाई करना है। ये हर महीने आपका रिटर्न फाइल करते समय ये क्रेडिट का कैलकुलेशन, क्रेडिट का यूटिलाइजेशन आपको करना है। IGST इनपुट आया और IGST कुछ भी नहीं है, मतलब लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। हाँ, वही जो उन्होंने बताया CGST और SGST की लायबिलिटी, IGST इनपुट है, पूरा यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब देखिए, गुड्स और सर्विसेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपका जितना भी खर्चा है, खर्चा में क्या होगा, या तो आपने मटेरियल परचेस किया है उस पर GST लगा, उसका इनपुट मिल जाएगा, या फिर आपने कोई सर्विसेज लिया है, यानी कि किसी को कोई चीज़ का गोडाउन भाड़ा दिया है या ट्रांसपोर्टेशन दिया है या किसी कंसल्टेंट को पैसा दिया है या कोई भी तरह का खर्चा है, केवल वो जो ब्लॉक क्रेडिट मैंने दिखाया कुछ एक आइटम्स का, उन सब का इनपुट नहीं मिलेगा। बाकी बिजनेस से रिलेटेड सारे खर्चे का इनपुट मिल जाएगा। मैंने दो कंडीशन बोला था, एक तो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए होना चाहिए। तो टैक्सेबल सप्लाई तो आपका ही, क्योंकि आप केवल प्लाईवुड बेच रहे हैं, बिजनेस के लिए मतलब कि वो बिजनेस भी हो गया, तो इसलिए इस बिजनेस से रिलेटेड जितना खर्चा है सबके ऊपर में जहाँ जहाँ GST लग रहा है आपको ITC मिल जाएगा, केवल वो मोटर व्हीकल और फूड एंड बेवरेज वो सब आइटम को छोड़ के। तो जितना भी खर्चा है आप इसमें, मैंने और एक चीज़ बोला था कि भाई अगर आपका रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आता है, तो मान लीजिए अनरजिस्टर्ड परचेज है, कोई भी खर्चा है, सपोज आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया, उसने 50,000 रुपये आपसे लिया, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 लाख के नीचे है, उसने टैक्स चार्ज नहीं किया, तो उस पर भी आप रिवर्स चार्ज में GST दीजिए और उसका इनपुट ले लीजिए। तो यानी कि अनरजिस्टर्ड परचेजेस के ऊपर में टैक्स पेमेंट कीजिए और उसका इनपुट ले लीजिए, तो इनपुट मेरे को पूरा मिल जाएगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल वो जो थोड़ा बहुत खर्चा उस टाइप का है, मोटर व्हीकल रिलेटेड या कन्वेंस रिलेटेड, उसका नहीं मिलेगा मेरे को। Right. We have to pay it ourselves. Correct. So, उस circumstance में वो supplier spot free है।
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं डिपार्टमेंट के पास पावर देखिए दोनों है डिपार्टमेंट के पास दोधारी तलवार है सर एक तरफ तो आपसे टैक्स ले लिया तो उसका टैक्स तो जमा हो गया फ्री हो गया लेकिन अब उसको जब पता चलेगा कि उसका मिसमैच था उसने टैक्स क्यों नहीं दिया तो वो उसके पीछे भी भागेगा और अगर वो देखे उसको पकड़ेगा तो उसके ऊपर में भी इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी प्रोसिक्यूशन सब हो सकता है वो सारा प्रोविजन है ऐसा नहीं है कि वो इस मैंने स्कॉट फ्री हो गया वो नहीं ऐसा नहीं है करेक्ट आपको वापस मिल जाएगा अगर मान लीजिए उसका बाद में 6 महीने बाद पेमेंट हो जाता है तो आपको वापस मिल जाएगा वो फाइनली लॉस नहीं होगा अगर वो आप अल्टीमेटली उससे भी क्लेम करोगे करेक्ट अगर आपने सेंचुरी से माल लिया और सेंचुरी ने टैक्स नहीं दिया तो आप बोलोगे हमको वापस करेक्ट एकदम नेचुरल बात है आगे बढ़ो अब डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के हम लोग GSTR 123 मोर और लेस हमने GSTR 123 एक्सप्लेन कर दिया है आगे बढ़ो तो जी एक मिनट रुको तो फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई GSTR 2 एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डिटेल्स वो कम्युनिकेटेड जो मिसमैच वाला इशू है और फिर फर्निश रिटर्न GSTR 3 तो 10 तारीख 15 तारीख और 20 तारीख ये तीन डेट में तीन अलग अलग रिटर्न हमारा जाएगा हर एक महीने ये लेकिन हर महीने जाएगा बट एडवांटेज केवल यही है ध्यान में रखना कि अभी मेरा जैसे आपके लिए चूंकि केवल वैट है तो अब आपको लगता है वैट की जगह GST आ गया वैट में मेरे को 3 महीने में एक फाइल करना था अब मेरे को GST में 1 महीने में 3 फाइल करना है बट अगर और सब ओवरऑल देखें तो हर एक कंपनी को सिंटलेक्सेज का अलग फाइल करना पड़ता है वैट का अलग फाइल करना पड़ता है सर्विस टैक्स का अलग फाइल करना पड़ता है एंट्री टैक्स का अलग फाइल करना पड़ता है सब चीज़ का अलग वो अब केवल एक ही रिटर्न फाइल करना है GST का लेकिन केवल ट्रेडर के हिसाब से सोचेंगे तो आपको 3 महीने में एक उसके बजाय 1 महीने में 3 वो फैक्ट है बिल ऑनलाइन क्यों बनेगा टैक्स इनवॉइस आपको ऑनलाइन बनाने की जरूरत नहीं आप एनुअल भी बना सकते हो आप कंप्यूटर में अलग से भी बना सकते हो ऑफलाइन भी बना सकते हो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं केवल आप जब रिटर्न में GSTR 1 में जब जितना डिटेल्स देंगे सेल का उसमें हर एक इनवॉइस का डिटेल्स देना है यानी कि एक एक कंपनी मान लीजिए कोई FMCG कंपनी है उसका अगर महीने में अगर 50,000 इनवॉइस भी बनता है तो उसको 50,000 इनवॉइस का डिटेल्स देना है तो इसलिए वो क्या होगा सारा चूंकि कंप्यूटर से मेंटेन करेगा तो वहाँ से ये GSTR 1 का यूटिलिटी के साथ में उसको टैग कर देगा तो सारा इनवॉइस वाइज डिटेल्स उसमें चला जाएगा अपरेंटली लगता है 50,000 इनवॉइस का डिटेल्स देना है लेकिन वो सिस्टम से वो चूंकि ऑनलाइन मैंने सिस्टम में ही वो मेंटेन करेगा उसको कनेक्ट कर देगा ASP GSP का कॉन्सेप्ट है वो क्या करेगा उससे सारा सॉफ्टवेयर से सारा डेटा लेके GSTR 1 में कन्वर्ट कर देगा और उसको फाइल कर देगा आप वैट में रजिस्टर्ड हैं करेक्ट तो वैट में चूंकि आप रजिस्टर्ड हैं तो अप टू 30th June जितना भी आपका परचेज होगा उसके ऊपर में वैट लग के आ रहा है और वैट का क्रेडिट भी आप ऑलरेडी ले रहे हैं तो वो सारा क्रेडिट आप ले लेंगे और जून तक का आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स होगा वो भी आपको पेमेंट करना है उसके लिए आप पूरा इनपुट यूज़ कर लीजिए कुछ कम शॉर्टफॉल हो गया तो आप कैश पेमेंट कर दीजिए अगर आपका फिर भी इनपुट अगर ज़्यादा रह गया तो वो जो ज़्यादा रहेगा क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 30th June आपका जो रिटर्न जाएगा उसमें जितना बैलेंस रहेगा वो बैलेंस आपका GST में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा GST में 1st July को ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से आप ले लेंगे और GST में भी CGST SGST और IGST तीनों का तीन अलग अलग लेजर होगा आप जब GSTN पोर्टल मैंने बताया ना ऑनलाइन सारा होगा आपका रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग तो आपको जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा वो यूज़र आईडी और पासवर्ड से जब आप लॉगिन करेंगे GSTN कॉमन पोर्टल में तो आप देखेंगे वहाँ पे आपका तीन लेजर खुल जाएगा क्या क्या तीन लेजर खुलेगा एक क्रेडिट लेजर दूसरा टैक्स लाइबिलिटी लेजर और तीसरा कैश लेजर टैक्स लाइबिलिटी लेजर क्रेडिट लेजर और कैश लेजर तो आप जब GSTR 1 अपना फाइल करेंगे 10 तारीख को तो GSTR 1 में आपने टोटल अपना सेल्स का डिटेल्स दिया तो उसके ऊपर कितना टैक्स लाइबिलिटी हो रहा है वो आपका टैक्स लाइबिलिटी लेजर में अपडेट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा टैक्स लाइबिलिटी लेजर से कि मेरा कितना टैक्स लाइबिलिटी है आप जब GSTR 2 फाइल करेंगे तो उसमें जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सारा GSTR वो क्रेडिट लेजर में आ जाएगा तो आप जब खोलेंगे आपको क्रेडिट लेजर में दिख जाएगा कि मेरा कितना क्रेडिट है टैक्स लाइबिलिटी कितना है एक लेजर में दिखेगा क्रेडिट कितना है दूसरे में दिखेगा अब जितना आपको कैश पेमेंट करना है आप कैश पेमेंट कर दीजिए वो आपका कैश लेजर में दिखेगा तो यानी कि तीन लेजर आपको खुलेगा एक टैक्स लाइबिलिटी लेजर उसमें दिखेगा इस महीने का मेरा लास्ट महीने का लाइबिलिटी कितना है दूसरा खुलेगा क्रेडिट लेजर उसमें दिखेगा आपके पास क्रेडिट कितना है और तीसरा खुलेगा आपका कैश लेजर उसमें आपको देखेंगे कि कैश मेरा कितना पेमेंट किया हुआ और कितना पेमेंट करना है और अगर आपने ज़्यादा भी पेमेंट कर दिया तो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो तीन लेजर आपको खुलेगा
अब ये जो क्रेडिट लेजर खुलेगा, तो जैसे CGST, SGST और IGST तीन है, तो तीनों का तीन क्रेडिट लेजर खुलेगा, उसी तरह टैक्स लायबिलिटी लेजर भी तीन खुलेगा और कैश लेजर भी तीन खुलेगा, करेक्ट? तो यानी कि नौ लेजर हो गया। तो अब क्रेडिट लेजर चूंकि CGST, SGST और IGST का तीन लेजर खुलेगा, तो आप ये जो 30 जून का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इनपुट क्रेडिट का, अगर कुछ रहेगा, अगर किसी का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो ख़त्म, अगर किसी के पास क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि आप इनपुट ले रहे हैं और उस इनपुट का अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस आपका 30 जून रहेगा तो वो आप 1 जुलाई में आपका क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। वो कैसे आएगा, उसके लिए आपको एक ट्रान वन बोल के ट्रान 01 एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपको एक स्टेटमेंट आएगा, वो फिलअप करके आपको ऑनलाइन फाइल करना है, वो जब फाइल करेंगे तो वहाँ से आपका क्रेडिट लेजर में आ जाएगा वो बैलेंस। तो 30th जून को आपका जितना इनपुट क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो आपका 1 जुलाई में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, आपको ट्रान वन फॉर्म फिलअप करना है, फाइल करना है ऑनलाइन, करेक्ट? ये हो गया वैट का। तो ये SGST हाँ पूरा जितना बैलेंस रहेगा पूरा आ जाएगा, किसी के पास बैलेंस कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है, तो जिसका जितना बैलेंस है वो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, करेक्ट? नहीं सुनाई दिया सर। एक्सेस पेमेंट मतलब 30 जून का बाद में जो रिटर्न में जो एक्सेस हो जाएगा पेमेंट, हाँ जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। मान लीजिए आपके पास इनपुट जून महीने का, सपोज अप्रैल में जून तीन महीने का आप रिटर्न देंगे, तो तीन महीने का आपके पास टोटल इनपुट आ गया 2 लाख रुपया और आपका आउटपुट है 1.5 लाख रुपया, तो आपके पास 85,000 रुपया रह गया क्लोजिंग बैलेंस, तो वो 85,000 रुपया 1 जुलाई में आपको SGST में क्रेडिट मिल जाएगा, करेक्ट? आपके पास जितना स्टॉक है उसमें सेंट्रल एक्साइज भी लग के आया, करेक्ट? तो आपके पास 30 जून अभी जैसे मैंने जो वैट का जो बताया उसके लिए आपके पास स्टॉक होना जरूरी नहीं है, स्टॉक है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इनपुट अकाउंट में जितना है वो पूरा मिल जाएगा SGST में। ये हो गया SGST का, वैट का। अब आ जाइए सेंट्रल एक्साइज का। सेंट्रल एक्साइज का मान लीजिए आपके पास 30 जून को 10 पीस स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो 10 पीस का टोटल वैल्यू है सपोज 10,000 रुपया और उस पर 1,000 मतलब 1,250 रुपया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग के आया है सेंचुरी से, और आपके पास में वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो अभी तो आप सेंट्रल एक्साइज का कोई इनपुट ले नहीं रहे, लेकिन जब इस माल को आप GST में बेचेंगे 1 जुलाई के बाद, तो आपको सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों लगाना है, नाम हो जाएगा CGST और SGST। तो चूंकि आप CGST लगा के बेचेंगे तो आपको यहाँ सेंट्रल एक्साइज जितना लगा हुआ उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, वो इनपुट भी मिल जाएगा। तो यानी कि 30 जून का आपके पास जितना भी स्टॉक है, देखिए पहला मैंने वैट का बताया, उसमें स्टॉक से मतलब नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन अब सेंट्रल एक्साइज की जब बात कर रहे हैं तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपके पास स्टॉक कितना है। अगर किसी के पास स्टॉक नहीं है तो कोई क्रेडिट का सवाल नहीं है, अगर किसी के पास स्टॉक है तो जितना भी स्टॉक है उसका परचेज बिल निकालिए, परचेज बिल, वो परचेज बिल में अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग के आया है तो आपको वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का फुल क्रेडिट मिल जाएगा, वो भी आपका ट्रान वन में जाएगा। ट्रान वन जो स्टेटमेंट है उसमें आप डिटेल्स देंगे, फाइल करेंगे, आपका क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, CGST के अंदर में आएगा। वैट वाला SGST में आएगा, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपका जो बैलेंस है वो आएगा। CGST के लिए सेंट्रल एक्साइज का क्रेडिट अगर आपके पास स्टॉक है तभी मिलेगा, स्टॉक नहीं है तो नहीं मिलेगा। जितना स्टॉक है उसका लेकिन आपके पास बिल होना चाहिए और उस बिल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपने किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा है तो वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा के दिया है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, करेक्ट? जितना भी लगा हुआ है फुल क्रेडिट कोई हाँ। अब उसमें दूसरा सवाल आता है कि 1 साल से पुराना स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जो स्टॉक है वो अगर 1 साल से पुराना है तो 1 साल से पुराने जो बिल्स हैं उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि मान लीजिए 1 जुलाई यानी कि 30 जून 2017 यानी 30 जून 2016 तो 1 जुलाई 2016 है, 1 जुलाई 2016 से पहले का अगर कोई बिल होगा आपके पास उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो आपको केवल ये देखना है कि मेरे पास 30 जून 2016 के बाद का ही मेरे पास बिल होना चाहिए, उतना ही स्टॉक होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है या तो हम वो स्टॉक अभी हम निकाल दें तो बेटर है, नहीं तो वो क्रेडिट हाँ सेल करेंगे तो आपको CGST देना है लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा। हाँ जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट है उसी का इनपुट मिलेगा। ये क्रेडिट जो हमें मिला है ये कब तक हम यूज कर सकते हैं? जो सेंट्रल एक्साइज का हमें CGST के अंदर क्रेडिट मिलेगा, टाइम होराइजन क्या है इसको यूज करने का? कोई टाइम लिमिट नहीं है सर, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कब तक यूज कर सकते हैं, 3 महीना कर सकते हैं, 6 महीना, ऐसा कोई ये नहीं है। आप आराम से उसको यूज कीजिए, वो क्रेडिट आपका आ गया, आपका हो गया। अब आपका जब जितना लायबिलिटी है वहाँ पे आप यूज कीजिए।
तो जितना ड्यूटी लगा हुआ पूरे का क्रेडिट ले लीजिए। अब सिचुएशन थ्री जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदा था, किसी होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा था, आप रिटेलर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको सिंटेक्स साइज का इन्वॉइस दिया नहीं है, तो उस केस में आपको इन्वॉइस तो है लेकिन सिंटेक्स साइज ड्यूटी नहीं है, पर सिंटेक्स साइज ड्यूटी तो उसमें भी पेमेंट हुआ है, उसका इनपुट कैसे मिलेगा? उसके लिए एक तीसरा प्रोविजन है कि आपको चूंकि एक्साइज का इन्वॉइस नहीं है तो आपके पास जितना स्टॉक है, सपोज प्लाईवुड का है, प्लाईवुड का अगर मान लीजिए आपके पास स्टॉक है तो प्लाईवुड में रेट ऑफ ड्यूटी कितना है? 28 मतलब 14 और 14, तो सीजीएसटी का रेट कितना है? 14%। सीजीएसटी का क्रेडिट रेट जहां पे 14% यानी कि 9% से ऊपर है तो उस केस में आपको 60% ऑफ सीजीएसटी यानी कि 14% का 60% कितना होता है? 84% तो 8.4% क्रेडिट आपको मिलेगा उसमें भी ऑन डीम्ड बेसिस, आपके पास इन्वॉइस नहीं है। 40 का 60 कर दिया इन्होंने। हाँ, ये क्या किया सर? हाँ, पहले 40 बोला था ना, अभी उसने क्या किया कि जिसमें 9% से ऊपर का रेट है उसमें 60% और जो 9% से नीचे का रेट है उसमें 40%। 9% एंड अबव जिसका रेट है सीजीएसटी में उसका 60% मिलेगा, जिसका बिलो 9% रेट है सीजीएसटी में उसको 40% मिलेगा। तो आपके केस में चूंकि दोनों ही केस में 18 मतलब 9 और 9 है तो 9% सीजीएसटी लैमिनेट में और उसमें 14% तो दोनों का 60% यानी कि 14 का 8.4% आपको क्रेडिट मिल जाएगा उस स्टॉक का। आपके पास बिल है लेकिन ड्यूटी का नहीं है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का नहीं है तो भी आपको 8.4% क्रेडिट मिलेगा। लेकिन सुन लीजिए सर, इसका एक कंडीशन है कि आपको ये क्रेडिट अपने कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एडिशनल बेनिफिट नहीं है, आप कस्टमर को जब बेचेंगे तो वो 8.40 रुपया जितना आपको मिला वो आपको दे देना पड़ेगा। हाँ, बिल से लेस करके देना पड़ेगा, करेक्ट, आप उसको रख नहीं सकते। ये एक स्पेसिफिक नहीं, करेक्ट, हाँ, सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 14, करेक्ट, दोनों सीजीएसटी 14% ऑन 100, एसजीएसटी 14% ऑन 100, दोनों ही 100 के ऊपर, करेक्ट, राइट। उसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो पूरा क्रेडिट जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, करेक्ट, स्टॉक से कोई मतलब नहीं है एसजीएसटी में। सीजीएसटी में आइए तो आपके पास अगर स्टॉक है तभी क्रेडिट मिलेगा, जितना स्टॉक है पूरे का मिल जाएगा, अगर आपके पास इनवॉइस है उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ है तो जितना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ फुल क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा, अगर आपके पास स्टॉक है उसका बिल भी है लेकिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा हुआ है तो उस सिचुएशन में आपको 40% ऑफ योर सीजीएसटी रेट, एसजीएसटी का नहीं केवल सीजीएसटी का 40% वो आपको क्रेडिट मिलेगा, 60% क्रेडिट आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपको अपने कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। अपना एक्साइज का बुक्स में अभी पैसा जमा नहीं है, जीरो है। आपका डीलर का, मैन्युफैक्चरर का बुक्स में पैसा है नहीं सेंट्रल एक्साइज का। हाँ जी, बट रॉ मटेरियल का स्टॉक है। हाँ, हम चाहें वो रॉ मटेरियल्स हम यूज नहीं कर सके, हम क्लियर करना चाहेंगे। क्या करना चाहते हैं? क्लियर बेचना चाहते हैं। हाँ, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, आप अगर रॉ मटेरियल भी बेचेंगे तो आपको तो जीएसटी देना है। हाँ, करेक्ट, और रॉ मटेरियल जब आपने खरीदा है चूंकि मैन्युफैक्चरर है तो उसको तो सेंट्रल एक्साइज का इनपुट मिल ही रहा है। हाँ जी, तो वो इनपुट तो ऑलरेडी क्लेम कर लिया, अब जब वो बेचेगा तो उस पर जीएसटी लगा के बेचेगा, जीएसटी का ही रेट लग के, करेक्ट, जो कि एक्साइज पे नहीं करते, करेक्ट, तो फिर भी वो 60% मिलेगा। वो देखना पड़ेगा जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वेदर दैट प्रोडक्ट इज होल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अगर वो प्रोडक्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से होल्ली एग्जेम्प्ट है तब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट होल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जैसे आपका प्लाईवुड है, प्लाईवुड तो होल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है, लैमिनेट भी होल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है, तो प्लाईवुड और लैमिनेट दोनों के ही केस में आपको 60% क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप सपोज पेपर खरीदते हैं न्यूज प्रिंट, लेट से आप न्यूज प्रिंट के डीलर हैं, न्यूज प्रिंट इज होल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज, तो न्यूज प्रिंट खरीदेंगे तो उसका स्टॉक रहेगा तो उस पर आपको सीजीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरर पे करे या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैन्युफैक्चरर पे करे या नहीं, मतलब सपोज मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड है एक्साइज में, छोटा मैन्युफैक्चरर है, हाँ, तो उस केस में उससे कोई फिर भी आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। इंपोर्टेड आइटम्स में क्या होगा? मतलब जितना भी इंपोर्टेड आइटम है आप उसके ऊपर में एक बेसिक कस्टम्स ड्यूटी देते हैं, हाँ, एक सीवीडी देते हैं, एक एसएडी देते हैं, हाँ, तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, सीवीडी और एसएडी का जो होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। द
the in case the material has been sold to the dealer. In case? The material has been sold to the dealer. Meaning you have imported and you have sold to a dealer. Right. Achha. उसमें कोई एक्साइज हम लोग जब बिल देते हैं उसमें एक्साइज या कोई सीवीडीटी का नहीं है ना नहीं है था हाँ लेकिन इफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो उसको 60% या 40% क्रेडिट मिल जाएगा सेंट्रल एक्साइज से कैपिटल गुड्स किले से 50% ड्यूटी पा जाए तो और 50% रिजर्व है तक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 50% पा जाए तो 50% कैपिटल गुड से कैपिटल गुड से हां 50% पा जाए तो 50% रिजर्व तक तो ना ना 50% की हो तो 50% से रिजर्व तक तो नेक्स्ट ईयर अलाउ हो तो ना ना मैं बोले दीची जे বছরে আপনি কিনছেন ফাইনান্সিয়াল ইয়ারে হ্যাঁ সেই বছরে 50% আর নেক্সট ফাইনান্সিয়াল ইয়ারে ব্যালেন্স 50% পুরোটাই পাওয়া যায় এখন জিএসটি তে কি হবে জিএসটি তে একবারই পেয়ে যাবেন পুরো পুরো 100% একবারই পেয়ে करेक्ट আরেকটা জিনিস বলে রাখি তাহলে ম্যানুফ্যাকচারার কিছু যদি আছেন তো ক্যাপিটাল গুডস যে ক্যাপিটাল গুডস আপনি 16-17 তে পারচেজ করেছেন 50% সিনভ্যাট ক্রেডিট পেয়ে গেছেন ব্যালেন্স 50% 17-18 এদিকে 17-18 তার মানে এপ্রিল মে জুনের মধ্যে আপনি পেয়ে গেলেন ক্লেম করে নিন আর যে ক্যাপিটাল গুডস আপনি 17-18 এপ্রিল মে জুন তিন মাসে ক্লেম কিনছেন তার সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিউটির ক্রেডিট আপনি 50% পেলেন ব্যালেন্স 50% আপনি জুলাইতেই পেয়ে যাবেন জিএসটিতে আপনি ব্যালেন্স 50% পেয়ে যাবেন ওটার জন্য আপনাকে নেক্সট ইয়ারের জন্য ওয়েট করতে হবে না ক্যাপিটাল গুডসের ক্ষেত্রে एक्साइज कम टैक्स इनवाइस अगर मिलता है हाँ। और उसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाया हुआ है और उनका वो स्टॉक ट्रांसफर में आया हुआ है तो उसका हम लोग को क्या मिलेगा एक्साइज कम टैक्स इनवाइस आया है इसका हाँ। मतलब ही एक्साइज लगा हुआ है लेकिन बिल में डायरेक्टली शो नहीं कर रहा है वो तो इसका मतलब वो एक्साइज कम टैक्स इनवाइस नहीं हुआ वो नॉर्मल टैक्स इनवाइस माने कमर्शियल इनवाइस हो गया तो एक्साइज अगर नहीं लगा हुआ तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर वो प्रोडक्ट एक्साइज से एग्जेम्प्ट नहीं है तो आपको 60% क्रेडिट फिर भी मिल जाएगा 100% नहीं मिलेगा वहां पर जब एक्साइज इनवॉइस होगा तभी 100% मिलेगा अगर एक्साइज लगना कंपलसरी है उसमें हां मतलब उस बिल में एक्साइज ड्यूटी अलग से शो होना जरूरी है करेक्ट ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट उसको बोलते हैं जिसमें दिखेगा कि एक्साइज ड्यूटी कितना पेमेंट किया हुआ है वैसा डॉक्यूमेंट होगा वैसा बिल होगा तभी आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा और अगर एक्साइज इनवॉइस नहीं है तो 60% क्रेडिट मिलेगा मैन्युफैक्चरर ने स्टॉक ट्रांसफर करके अपने आरडीसी के अंदर में अगर माल लाया और उसका एक्साइज इनवॉइस हमको देते हैं तो हमको फिर 100% नहीं मिलेगा आपके पास अगर एक्साइज का इनवॉइस नहीं है तो आपको 60% क्रेडिट मिलेगा नहीं एक्साइज इनवॉइस तो देते हैं लेकिन एक्साइज अलग से चार्ज सर मैं वापस बोल रहा हूं आपके पास अगर उसका एक्साइज इनवॉइस है तो आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपके पास एक्साइज इनवॉइस नहीं है तो 60% क्रेडिट मिलेगा उत्तराखंड में उत्तराखंड में हाँ हाँ स्टेट ने एग्जेम्प्ट की हुई है कुछ फैक्ट्री को एक्साइज से स्टेट ने नहीं एग्जेम्प्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब वो तो एक्साइज इनवॉइस दे नहीं रहे राइट और उसमें एक्साइज का कोई एलोकेशन भी नहीं है तब उसमें क्या होगा वो तो कोई पर्टिकुलर वो तो प्रोडक्ट तो एग्जेम्प्ट नहीं हुई होली करेक्ट फिर भी आपको मिल जाएगा क्रेडिट 60% प्रोविजन में बोला हुआ है कि इफ द गुड्स इज नॉट होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी ऑफ एक्साइज तो नॉट जैसे नॉट होली क्या हुआ एग्जैक्टली क्योंकि नॉट जैसे नॉट होली एग्जेम्प्ट मतलब वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कोई टैरिफ जैसे मान लीजिए सेंट्रल एक्साइज में सेक्शन 5 कैपिटल ए में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ टू एग्जेम्प्ट एनी गुड्स अनकंडीशनली तो ये गुड्स जो है अदर स्टेट्स में एक्साइज इनवॉइस दे रही है बट ओनली उत्तराखंड दे आर नॉट गिविंग एनी एक्साइज इनवॉइस वापस मैं आपको बता रहा हूँ होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी ऑफ एक्साइज का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है ठीक है तो वो होली एग्जेम्प्ट हो गया आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड में अगर कोई यूनिट है तो उसको एग्जेम्प्शन है हाँ। तो वो होली एग्जेम्प्ट नहीं हुआ इसका मतलब उसके केस में भी आपको इनपुट क्रेडिट मिल सिनवेट क्रेडिट मिल जाएगा अच्छा सेकंड क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंपोर्ट तो इंपोर्ट में आपने बोला 12% मिल जाएगा और जो रिमेनिंग 3% है एजुकेशन सेस का होता है वो भी मिल जाएगा क्या इंपोर्ट में क्या होगा 12% इंपोर्ट में जैसे एक तो 10% बेसिक ड्यूटी है उसके ऊपर 12% लगता है 4% सैड रहता है और 3% एडिशनल टैक्सेस रहते हैं तो उसमें क्या होगा इनपुट आपको क्या मिलेगा सीवीडी और एसीडी जो है उसका मिल जाएगा क्रेडिट अच्छा और रिमेनिंग 3% नहीं मिलेगा वो रिमेनिंग 3% क्या चीज है एसीडी के बाद भी कुछ परसेंटेज रहता है सेस वगैरह अगर होगा तो सेस का नहीं मिलेगा सीवीडी का मिलेगा एसीडी का मिलेगा अच्छा और फ्यूचर में कैसे इंपोर्ट में क्या टैक्सेस लगेगा अगर मैं मान लीजिए जुलाई में इंपोर्ट करता हूँ तो उसमें क्या टैक्सेस लगेंगे आईजीएसटी अगर आप कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो परचेज इन दी माने सप्लाई इंपोर्ट सप्लाई दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इंटर स्टेट सप्लाई तो आपको रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर आईजीएसटी पेमेंट करना है यानी कि जैसे अभी आप बेसिक कस्टम्स ड्यूटी सीवीडी और एसीडी पेमेंट करते हैं अब आप बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और आईजीएसटी पेमेंट करेंगे तो आईजीएसटी में मेरे को फुल इनपुट मिल जाएगा हाँ इनपुट जहाँ मिलने का होगा मिल जाएगा डिजाइन वाइज अपलोड करना पड़ेगा या इनवॉइस वाइज इनवॉइस वाइज मतलब बिल वैल्यू वाइज होगा ना आइटम वाइज कोई इशू नहीं है ना नहीं प्लाईवुड के केस में देखें तो 8.4% मिल रहा है
28 का मैंने 14 का 60% 8.4 जिस गुड्स के ऊपर हमको 8.4% क्रेडिट मिल रहा है उसके ऊपर एक्चुअली एक्साइज दिया हुआ था 12.5% एक्साइज दिया हुआ था 12.5% तो ये जो 12.5 और 8.4 का डिफरेंस है दिस व्हाट डज द गवर्नमेंट इज सेइंग ये एज अ डीलर ये लॉस है हमारा हाँ, अगर आपके पास एक्साइज इनवॉइस नहीं है तो ये लॉस है हाँ फॉर जो हम लोकल परचेज कर रहे हैं उस केस में 12.5 और 8.4% का डिफरेंस इज द लॉस दैट द डीलर इज बेयरिंग करेक्ट बिल्कुल इंडियन भूटान हैज अ ट्रीटी ऑफ नो टैक्स ओके सो इन दैट केस विल वी गेट एनी इनपुट इफ यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्स वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ इनपुट सो इनपुट यू कैन क्लेम ओनली व्हेन यू पे टैक्स What tax? Either CGST or SGST or IGST. So when you import any goods from outside India, it is liable to IGST. Yes. So if you are paying IGST, you can get input. If you are not paying IGST, no input. You know, like you said, if from Uttarakhand it is tax exempt only in Uttarakhand, but then also you will get 60% import. So in case you of you are talking about transitional stock as on 30th June. Yes, no. The present no. stock. On 30th, June, yes. you have imported certain goods, yes. which is in your stock, on yes. that you are talking about. Yes. Okay. Again, if the goods is not fully exempt, you can claim 60% credit. Agricultural products. Haan. Agricultural producers are, for the timing, they have, see, abhi tak kya hai, rate ke liye, they have not notified the rates, but okay. draft schedules unhone diya hai. To agar draft schedules mein dekhenge, to wahan pe agricultural produce jo hai, usko exempted mein rakha hai. So GST is registration is required for that or not? No, required? If you are exclusively dealing with exempted products, okay. तो आपको registration लेने की ज़रूरत नहीं. Not required. जैसे कि excise के लिए ये credit है CGST का 14 का 60% CST या entry tax जो लगा हुआ है उस goods पे उसके against कोई SGST का कुछ rule आया? कोई credit नहीं मिलेगा. कोई credit नहीं है वो. CST और entry tax का कोई credit नहीं मिलेगा. सर मेरे पास अगर 5 करोड़ का स्टॉक रहता है हाँ. तो उसमें 4 करोड़ का स्टॉक इसका है एक्साइज का है 4 करोड़ का स्टॉक एक्साइज का है अच्छा हाँ. और 50 लाख का सलमाइका का है 50 लाख का सलमाइका का है उसमें नहीं तो वो एक्साइज का नहीं है क्या नहीं उसमें वैट उसमें खाली वैट है सर अच्छा ठीक है और 50 लाख विदाउट एक्साइज का है उसमें से सारे अब जैसे सेंचुरी का जैसे माल अभी हम ले रहे हैं तो 12.5% और प्लस 5 17.5 लाख की आ रहा है बिक्री तो 28% में तो ये तो हमारा पूरा लॉस है सर वो तो आप जितना रेट पे बेचेंगे जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा एडिशनल रेट ऑफ टैक्स होगा वो तो आप लगाएंगे हमको जितना एक्साइज का जो है वो तो पूरा हमको एक्साइज का पूरा रिबेट मिल जाएगा एक्साइज जितना लगा वो उसका मिल जाएगा पूरा मिल जाएगा करेक्ट अब जो विदाउट एक्साइज का है उसमें 60% मिलेगा 40% नहीं मिलेगा बिल्कुल बिल में मेरा 10 आइटम है एक्साइज का बिल में जो है एक्साइज टैक्स इनवॉइस में मेरी 10 आइटम है माने आपने परचेज किया था एक बिल में 10 आइटम दस आइटम दो आइटम मेरे स्टॉक में नहीं है मैं वो इंपोर्ट कितना लूंगा उसका जितना आपके पास स्टॉक में है उसी का प्रोपोर्शनेट के ऊपर में हम लोग को लेना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट मतलब क्या आपका तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग रेट है हाँ। उसका वैल्यू है उसके ऊपर हाँ। में एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुआ है तो उसके ऊपर हाँ। जितना ड्यूटी चार्ज हुआ उतना ही लेंगे आप नहीं तो इसका क्या हम लोग कुछ स्टेटमेंट बना के डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा या हम लोग जो बनाएंगे ट्रान वन स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा ट्रान वन स्टेटमेंट लाइबिलिटी है वैट का जो लाइबिलिटी 30 जून का वैट लाइबिलिटी पेमेंट करने का है हाँ. वो कब तक पेमेंट करना पड़ेगा वो तो जो आपका नॉर्मल टैक्स ड्यू डेट है 21 जुलाई वही रहेगा मतलब उससे जीएसटी का कोई इफेक्ट नहीं करेक्ट सर उसमें कोई प्रॉब्लम फॉर्म फिलअप करना है इनपुट लेने के लिए input? वो क्या मतलब 1 तारीख को ही करना है मतलब 1 जुलाई को नहीं विद इन 90 डेज माने जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में आप कर सकते हैं जो ट्रांसवर्न आप फॉर्म बोले विद इन 90 डेज करेक्ट कंडीशन है कि सप्लाई करने के समय एक कंडीशन होना चाहिए कि बाद में हम डिस्काउंट देंगे यदि कंडीशन नहीं है सर लेटर ऑन तब नहीं होगा करेक्ट लास्ट क्वेश्चन लेंगे प्लीज ई वे लो इनपुट नहीं है बुक्स में हाँ मतलब टैक्स का पैसा 5% जमा नहीं है करेक्ट वो मैंने पहले यूज कर लिया राइट आज के दिन में स्टॉक में इनपुट नहीं है हाँ। उस टाइम में क्या होगा कुछ नहीं होगा इनपुट नहीं है तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे ना? तो उसको सपोज मेरे पास में 10 लाख का स्टॉक है क्या मैं 5 लाख का स्टॉक नहीं दिखा सकता हूँ कृपया शांति बनाए पीछे यहाँ